है, मैं अपनी गाड़ी देखूं, तुम्हें देखूं। आज तो हमें मरना पड़ता दिखा है। मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम इसमें 50 गोलियां नहीं होती, 6 होती हैं। रहने देना यार, तू तो बिल्कुल मरवाएगा क्या? जा रहा हूं मैं, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करो। कब तक भागेगा? एक ना एक दिन तुझे पकड़ ही लूंगी। कहां बदमाश? आ जाओ, बहुत मेहनत कर ली तुम लोगों ने। ओ मलके, एक बीड़ी दी है थोड़ी देर में। हाँ दुम्मा, कहीं ना तेरा तेल से पड़ गया। हाँ तुम अपना पूरा ध्यान बीड़ियों पे रख के करो, काम तो हो जाएगा जैसे हो। अरे जल्दी आंख लो इसे। अरे यार तो रहा, इक्कर ही चला गए तो। यू पता ना की बावला हो रहा। अरे क्या माल है भाई? अरे यू तो माल, क्या क्या पकड़ो इसे। गाड़ी चली गई, नहीं तो इसे बता देते माल किसे कह रहे हैं। अरे रुकी रुकी, पकड़िए इसे। अरे पकड़ो। भाग ले 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 साहब, थोड़े छोड़ देंगे अब। अरे इसे माल देंगे। अरे की बात हुई भैया? हाँ माल बता रहा। अरे माल मैंने कह रहा भैया, ये
गाली तबाह कर रहे हो यार। अरे छोड़ा सही मेरी बात तो सुना। अरे मैंने ना कही कुछ यार। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे चल लेके चल। क्या है ये? आज इसे लग रहा था यार तुम चल रहे हो। मैंने ना कही कुछ मेरा यार। मेरी बात तो सुनो। अरे मैंने तीन हो गया यार। तुम चल रहे हो यार। तुम चल रहे हो यार। या छोड़ो यार। मेरी बात तो सुनो। हेलो मलखान यार। हेलो यार मैंने ना ओए या बेटी इसे तू माल कह रहे हो। अब क्या कह रहे हो? माल होगी तेरी माँ बहन। कभी इससे बात कर ले। हेरे कमीने किसे कह रहा है तू माल? किसे कह रहा है तू माल? है तुझे ही कह रहा। इस मलके को तो कह रहे ना। अजी मन ने कुछ ना कही। मुझे जान दो मैं तो जरूरी काम तो जा रहा हूँ। हाँ इतना सुधा है तू बर्फी का माल बता रहा। और रिश्तेदार यहाँ भी जरूरी काम है। ईब कह लेके कहना। ए मलखे बकवास ना करे हाक ले इसको। ए लैली बुग्गी तो आराम आराम से ही चलेगी। इस रिश्तेदार के डहके लग जाएंगे। फोड़ दूंगी तुझे समझा। लिकट जाएगी तेरी रिश्तेदारी। रिश्तेदार भी मारा सुधा सही है। हाँ तो जोड़ ले रिश्तेदारी। इसकी गैल करूंगी मैं ब्याह है। अरे तुझे रिश्तेदारी जोड़नी है तो तू कर ले इसकी गैल ब्याह। अजीब मन ने कुछ ना कही। वह बात तो किसी और ने कही। तब मुझे पकड़ लाए। मैं ऐसे घर का ना हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। रिश्तेदार तो तयू का घर भी नामी गिरामी है। मौका दे हमें सेवा का। एक बात और सुन ले। छेड़खानी केस में पूरी जिंदगी जेल में बंद करवा देंगे। और हमारे गांव में होवे भी ऐसा ही है। अजी ऐसे कैसे हो जाएगा? हम करें और होवे ना। अरे इस गांव के सारे केस पंचायत में निपटे हैं। और इस गांव के तो पंची ततैये हैं। चुप बैठ जा गांव वालिया। फिर गोड़ी भी बैठाना तू। ओ सासल फोड़ दूंगी तुझे अभी। यहाँ चला ले इसे। हाँ चला रहा। ज्यादा बोल रहा। चल चल हाक ले। चलता रहो साढ़े पाँच है ले पाँच जगू। आज तो एक फंसा तुझे फंसा दूंगा। चलता रहो इसे बताओगे माल कैसा हो। हाँ सुनने तेरी की सुनने। प्रधान देख कैसे पंचायत लगाओ बैठा जैसे अगला प्रधानमंत्री यू ही बनेगा। अरे आज तो किसी नए से उठाए फिर रहे। पता ना क्या रहा बिठाएंगे इस नए पंछी की तैये। देख कही जिए भैया। चले बोश बोश। अरे रिश्तेदार उतर जाए सेवाली करें अब। अरे भैया मन ने कुछ ना कही थी तुम तो मुझे खामा खा पकड़ लाए। अरे भाई तेरे फायदे कह रहे आजा चल तू उतर ले। अरे मन ने कुछ ना कही। वो मेरी बराबर में बैठा था उसने कही तुम मुझे क्यों पकड़ लाए। तेरा भला हो जा सुनते ना। अरे पाने तेरे को भी आवेगा। अरे उतर जा यहाँ तेरी खातरदारी होगी। बात को समझ रहे हैं। आ चल के चारा लुगाई बुला ले गीत गवा ले या हम नागन डांस कर ले। अरे मेरा विश्वास तो करो भैया मैंने ना कही कुछ भी। अरे राज्य में उतर जा तू घनी कुछ आमंद ना करवावे। मैं कह रहा चल बस रिश्तेदार बहुत होली अब मत ज्यादा कुहावे शर्मिंदा मत करे हमें। चल उतर कर ले चल चल। ओ अरे बैग में केले राइस में रिश्तेदार को घनी तवल करे तू तो। अरे लैपटॉप ले रहा और केले रहा। मेरा तो यू ही काम है इन चीजों को सुधारना। अरे लैपटॉप ना भैया इसमें मेरे एक दो जोड़ी लत्ते हैं मेरे कागज पत्र है और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। पॉइंट बता रहा पॉइंट तेरे सारे पॉइंट लिगाड़ देंगे हम कसम लौटेगी। अजी मैंने तो कुछ कह ही ना। मैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा था। ओ भूरी फैशन तेरे सारे काम यही होंगे। भूरी फैशन वगैरह तेरे सारे काम यही होंगे। नहाना धोना सब होगा चिंता क्यों कर रहा। ठीक कह रहा यू बेफिक्र रहो। ए बर्फी के कर रही तू रिश्तेदार खातिर चाय बना। अच्छा मैं इसके लिए चाय बना दूं। अब तक तेरे लिए भी ना बनाऊं तू भी पी लिए। ए यू रिश्तेदार आया है इस तभी तो बात करनी पड़ेगी पहले हमें। हाँ तो ठीक है तुम इस रिश्तेदार से ही रिश्तेदारी बना लो। तुम्हें खुआ दूंगी आज घेस ले खा लियो डड़े। अरे रिश्तेदार यू बैग सा हमें दे दे क्यों बोझ मर रहा है। अजी यू तो मेरे पे ठीक है। अरे हमें दे दे तेरे तो ज्यादा हिफाजत करेंगे हम इसकी कसम लौटेगी। अरे रिश्तेदार तू क्यों पागल मान रहा के बहुत होशियार है यू सारी चीजों को चौकस रखेगा।
ठीक कह रहा, दे दे तुझे और आराम कर तू। आराम कर लू? अरे जितना चाय भड़कावे इतना मैं मेज पेज लगाऊं, इतना तू ढोड़नुआ ले। ढोड़नुआ लू? अजय थारी समझ में क्यों ना आ रही, मैंने कुछ ना कही तब मेरा टाइम खराब कर रहे हो। ससुराल में भी टाइम खराब हुआ बता रहा। अरे कुछ लेके तो चले जा, नू ही कोई रिश्तेदार खाली हाथ अच्छे लगे हैं। अरे मिलाई लेके जाइये, नू जब तक चोखा ना लगता। अरे ऐसे कैसे सूखा जान देंगे, रिश्तेदार मारी भी इज्जत है समाज में, हमारा भी उठना बैठना, लोगों को क्या जवाब देंगे, थोड़ा सा सेवा का मौका तो दे दे। अरे मरी ना मान रहा, कम से कम उस पे पूछ ले जिससे माल के आधा कदम लुटेगी। अरे यार मने माल ना के तुम यही बात कहो जाओ खामा खा, थारी समझ में क्यों ना आ रही। अरे जीब के हो गया लुंडे लारे कह ही दिया, अरे तू क्यों चिंता मान रहा। अरे यार यहाँ कोई समझदार आदमी ना आके। लो भाई यो तो हमें समझदार भी ना मान रहा अब। अरे इसे मिलाई दे दो। अरे यार तुम मुझे तंग मत करो, मुझे जान दो, मैंने कुछ ना कही। पाओ ना मान नहीं रहा, जावेगा जरूर यू। जागत करो मिलाई आओ। चल भाई चल भाई ले मिलाई। अरे अरे सुनो तो सही, अरे ले आया बड़ा रिश्तेदार, लग गया माल का पता। बर्फी को माल बता रहा, लग गया पता। और वह रिश्तेदार कुछ कसर मान रहा के। ला ये थैला सा दे। मिल गया चुखार। ठीक है। वो न्यूज़ तुम अभी मत लगाना। अच्छा जी। क्योंकि इससे हमारी डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, अभी कोई और न्यूज़ लगा लो। मैडम वो बदमाशों वाली न्यूज़ तो लगा दूँ ना। हाँ वो माही वाली न्यूज़ अभी मत लगाना, कोई दूसरी न्यूज़ लगा लो। ठीक है मैम। हेलो सब इंस्पेक्टर कविता सिंह हियर। मैं एसपी ऑफिस से बात कर रहा हूँ, एसपी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। ओके। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या रहा माही का? सर उसे हमने गिरफ्तार कर लिया था लेकिन हाथापाई में वो बच के भाग गया। ऐसे कैसे निकल गया? तुम्हें पता भी है पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी नाकामी है। ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसकी गिरफ्तारी के लिए ऊपर से बहुत बड़ा दबाव है, ऊपर से मीडिया हमारी जान खाए हुए है। देखो बात को समझो, मैं तुम्हें कुछ और वक्त देता हूँ, वरना मुझे ये केस तुमसे लेकर के किसी और को देना पड़ेगा और इसका तुम्हें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। सर हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं और ये बात आप भी जानते ही हैं। सर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लें। देखो इंस्पेक्टर कविता सिंह, केवल एफर्ट से कुछ नहीं होगा, मुझे रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट ये है कि अब तक माही पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा है, अब कोई दलील नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी की लिस्ट में भी ये मोस्ट वांटेड है और मुख्यमंत्री जी को आप बहुत अच्छी तरह जानती हो। जी सर। सर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ माही बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। I hope so. Best of luck. Thank you so much, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. पैड़ लिए मेरा। हाँ मेरी बारी। कौन मारेगा? Yeah!
मेरी लाज रखी है। चल चाल तो सही से। चमार कमार। अब महकू भाई आ जाओ गेम खेलेंगे। आजा खेल खिलाऊंगा तुझे। आजा यहाँ बैठ मेरे बराबर में। आजा 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 महकू भैया बैठो। इसे खड़ी करनी है घुमासी का है। ले ले ले। हाँ चलो खड़ी खड़ी। हाँ खड़ी कर रही। हाँ दोबारा नहीं दोबारा नहीं। अच्छा चप्पल भी लगवानी पड़े। बोतल का नंबर इनका है। एक मिनट शांति। आप शर्म ना। बात है गिरडू। देखिए भीतर घर में क्या खड़का बिल्ली बल्ली बैठ रही दिखे। अरे बिल्ली ना कुत्ता है। अरे नया दिखे हिल हिल जागा हाँ यू। अरे सुधार दुके। ए तू लोटी रे यू आप ही सुधर जागा। ठीक है। कहाँ चला इस टाइम? मैं तो जी खुड़का सा हो रहा था देखना आया था। इन बातों में कुछ ना धरा जा जाके लौट जा। हाँ हाँ जी बंद कर दूँ। हाँ कहाँ जा रिश्तेदार? मैं तो जी मुत्तू था। भीत बजड़ का मुत्तू का जल चला जाए इनते बांधने बाजी नहीं चलेगी। जा चल कर सो जा। और सुनो रिश्तेदार मैं यही सो रहा हूँ यही पढ़ा हूँ चेस के करीब भीत बजड़ का मुत्तू तू और मेरे सिर पर धार पड़े तेरी। जा सो जा। सारे आदमी है भूत है सारी जगह बैठे हैं पहले ही। चल अभी भैया अभी मेरे सिर को मुद दे। अरे तेरा भागना भूगना हो लिया हो तो लौट जाए।
आजा, अरे आजा आजा, अरे मान जा। खुद ही तीनों ना ए नए कृषि कानून। ओए जिंगे मार ले, खूब चल लेंगे फिर खेत में। अरे रिश्तेदार, हाथ बड़ा ढीला चल रहा भाई। अरे कर दे ढोरों के निहार कर दे इन्हें, फिर बुग्गी जुड़े लग रही खेत पुक चलेंगे। अरे गेर सब बदल ले रिश्तेदार, तेज तेज कर ले। देख कितना सेला कर रहा, मेहंदी लग रही हाथों में। सारा सफर है। ए रपक, चल खेत में बुग्गी जुड़ ली, सारा दिन इस अखबार में बैठ जा, के प्रधान नहीं बनना तो जाए। पढ़ाई तो ना तुमने, ना तो प्रधान भी बढ़ जाती। ओ प्रधानी, चल खेत पे को चल। अरे मुझे ना जाना खेत पे, मुझे बतेरे काम है। हाँ, बहुत काम है, सारे काम के काम तू ही ना संभाल रही है। खड़ी वाले चल। ए लल्ली चल तू भी, अन्नी और रिश्तेदार भी नहीं चलने का। शर्म तो आती ना होगी तुम्हें, कदी रिश्तेदार कदी जीजा, पता ना के कह रहे, कनबट्टी में मार दे रहे घुमा के, फिर न्यू कहवे के ये हो के गया। और तुम लोग जो बनाना अपना बना लो, मेरा नाम मत लिया करो। अरे चलो बुग्गी जुड़ ली, बैठे रहोगे के लेट जाओगे सारा दिन। इस उक्की ने तू ही चाप रहा बहुत देर से, हम तो तैयार बैठे हैं। मैं कहीं ना चाप रहा। अरे झिंगे चलता क्यों ना तू, इसे मैं ही देखूं। लो उठ गए हम तो। तो हम भी चल ही रहे हैं बस। ले भाई लोटा तो बैठ लिया बुग्गी पे, तुम अपनी देखो आ जाओ। चलेंगे वो। अरे अरे रिश्तेदार आजा। बोश ओ मर जा आगे ने। ए बर्फी आजा। लो आ गई मैं भी, तमे भी मेरे बिना चला नहीं जाता। यो खड़ा पीछे क्या कर रहा हूँ। अरे ओ सासल, ओ तमे के मरीज आजा तू भी। अरे मार ले पंपुसा जल्दी जल्दी। जल्दी बुला। अरे आ जल्दी। आ लिया, कमेरे थमी न रहे। धूप तो ठीक निकल रही आज। हाँ भाई चौंधा तो चढ़ तो रहा। हाँ मौसम तो ठीक सही हो रहा आज का। हाँ भाई आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा। हाँ अरे देखियो ये ततैये किसे लिए हंड है, कुछ नवा सही लग रहा है। ये तो पूछ के देख कौन है या ना। भैया इन्हें देख कर तो मेरी वैसी राह होगी, दशा चल जावे। ओ मलखान भाई कौन है नया रंगरूट। रंगरूट बता रहे अरपे के जीत जा मारा। ब्याह कब कर लिया। ब्याह भी कर देंगे। ट्राइप है भी हो। उबे गलती होगी दिखे। और थारे से पूछ के थोड़ी करेंगे ब्याह। ब्याह करवाओगे, बोलो कौन सा बोल रहा था, टैटू सा दबा दूंगी तुम सबका। पता नहीं यार ये भी अजीब आदमी है इस गांव में, इनसे तो दूर ही ठीक। आगे को पांव ठाले साले, चल चल आगे को दिखला, आगे को चल चल। मुझे ऐसा लगे यो बलदी बेचना पड़ता दिखे, बदलना पड़ेगा। अरे बदलना तो यू मलखा पड़ेगा, यू हर बात में टांग अड़ावे। परसों इस बलद के चोखे पैसे लगन लग रहे थे, इसने भिकारी तो ना दिया। हाँ, काम के टाइम पे तू बलद बिकवा दे। अरे बलद की गलती बता रहे हो, बलद चल नहीं रहा तुम्हारे पे, लाओ मैं चलाऊं। अरे देर होने लग रही, हाक ले इसको। अरे यू तो हकता रहेगा, ये रिश्तेदार कैसे चुप बैठा। अरे रिश्तेदार कैसे चुप बैठा, बोलता क्यों ना है तू। अरे मेरी सुनो, कहां हूं तुम, मुझे तो मेरा वो बैग सा दे दो, मैं चला जाऊंगा, उसमें मेरे कागज है, वो वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा। पॉइंट पॉइंट करता रहे। अरे बढ़िया अपॉइंटमेंट हो रहा, और कितना बढ़िया कोट पैंट होगा तेरा। बकवास ना करे, चुपचाप बैठ जा, नहीं अंकों में तेजाब गिर दूंगा तेरे। ए क्या कर रहे हो इधर आओ। आज मैडम जी हम तो नहीं खड़े हैं। यूं ही क्या भांग उतार रहे हो, यह राजनी के लिए खड़े हो। नाम बताओ अपना, पिताजी का क्या नाम है। मेरा नाम सुखा है, ये पलटे का है। अरे सुनो, एक लंबा सा आदमी है
नीली जैकेट पहनी हुई है और काली पैंट और दाढ़ी भी रखता है। तुमने वो आदमी देखा क्या? ना जी, हमने तो नहीं देखा। झूठ बोल रहे हो? मुझे यहाँ कोई बैठा हुआ ना दिख जाए, अगर कोई वारदात हो गई ना तो फिर मैं तुम लोगों को पकड़ लूंगी। चलो शिवा। इस गदा स्वाटे में गिर गया। ए भाई, मुक्की तो तेरी नहीं है। इसका तो स्वेटर भी निकल गया। आज ये किसे ठाउ फिरे? मैं भी किस मुसीबत में फंस गया बे आई। अगर यहाँ ना फंसता तो अब तक मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता और ज्वाइनिंग भी होली होती। घर वाले तो न्यू सोच रहे होंगे कि मैं तो सरकारी नौकर हो लिया। कह कोई गया, फंस मैं गया इन बेअकलों के बीच। अब कैसे पीछा छुटाऊं, ना समझ में आ रही, ना ये भगन दे रहे, ना कुछ। ए, क्यों मार दिया बेचारे के? घूर रहा है ये मुझे। अरे तू देखन दे, देखने का हक बने इसका। इसका सारा हक बड़ा निकाल दूंगी। इतना ही शौक है इसे देखन का तो थारे पे क्यों ना देखता यू किसी को। मैं ही मिली देखन को। देख लेगा हमें, देख लेगा हमें तो कोई ऐतराज ना भाई। इसे देखना तो माल है। क्यों भाई? अजी मैं ना देख रहा था कुछ भी। ना फटका दे तेरे कुछ न कुछ। तू पहले अपना ही फटका बता, पहले उसे ही मिटाऊ मैं। अजी ऐसी कोई बात ना, मैं तो सोच रहा था। किसके बारे में सोच रहा था? तू घना मत सोचे, ना तू काम करे ना करन दे। यू तो इसको अपनी मानन लगा दिखे। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ही पैदल है साले। ठीक कह रहा यू। अरे ओ ओ खलीफा, कहाँ जा? मैं थोड़ा सा मूत का हूँ ताजी। थोड़ा सा क्यों मूतते है भाई, पूरा ही मूती है। पर नू तो बता दे जागा किंगे को। कहीं ना आएंगे करिया हुआ। कोई फायदा ना, 4 किलोमीटर जाकर नदी है, फिर लौट का आगा। ठीक कह रहा है यू, सुन ले इसकी। अजी ऐसी कोई बात ना है। रोटी खावे हम भी। साले नाज ही खा सको, तुम थारे द्वारा नाज के अलावा है के? हाँ भाई, अब कहाँ चला तू? अजी मैं ट्वेल पे पानी पी का हूँ। तेरे मरोड़ा घना केड़ा है। अजी ना, मेरा हलक सूख रहा। काम कर ले कभी, तू ही सूख जा सारा। अजी सच्ची मुझे बहुत प्यास लग रही है, तब मानो। चल हम देखेंगे तुझे कितनी एक प्यास लग रही है। अरे तुम समझ नहीं रहे, यू भागने की फिराक में है। चलो रे, रोटी भरेंगे। चल इसे पानी पिलाएंगे। चल भी चल, चल आ जा, पानी पिलाएंगे तुझे। चला ना, पीछे मुड़ के ना देखे करें। ततैया हम भाट है लाग गेगू। वाह वाह, बुग्गी बहुत बढ़िया भरी, आज तक जीरज जी कर दिया। अच्छा जी फिर मैं जाऊं? अरे तू बेवकूफ भी है, वहाँ जाएगा डोके काट देगा, तेरे घर नहीं है कसम लोटे की। अरे ससुराल तो बढ़िया जगह हो के कहीं। अरे रिश्तेदार, खातर पानी में कोई कमी हो रही हो तो बता, अब के और अच्छी कर देंगे। अजी मेरी वो जॉइनिंग छोड़, हमारी बर्फी से बढ़िया क्या वा? अजी मैं मास्टर था। मास्टर तू बर्फी को घाट मान रहा के? इसके दर सारी बातों का जवाब है, तू कुछ ही पूछ ले, सारा दिन अखबार में ही बैठी रहे। इसे भी कम ना मानिए, कोई भी रखवा दे दो, नू काट दे। अजी मेरा सब काम बिगड़ जाएगा। अरे रिश्तेदार, ये हमारा हॉकी मिस्त्री है नहीं क्या? सारी बिगड़ी हुई चीज को संवारे, तेरा काम भी संवार देगा, तू चिंता मत मान। तू तो काम मन लगा कर, बस कसम लोटे की। अजी मैं थारे हाथ जोड़ू। अरे हमारे गिड्डू को देख, दीवार देख कर बता देगा इतनी ईंट लग रही है। अरे तुम ना किसी की सुनते और ना समझते। ओ भाई तू हमें सिमझाण को तो रहन दे, हम सिमझाण वालों की सिमझावे तड़की सांझ लो, तू आप सिमझ ले। अजी मैं मास्टर भर्ती हो रहा हूँ। अरे तो यहाँ तो तू हेड मास्टर हो रहा है, के काटेगा उस मास्टरी में? अयो बर्फी तुझे ऐसे ऐसे नुक्ते बता देगी, घरों बैठे तू जहाज उड़ा लिए। अरे ओ तू फालतू तो बोल लेना, यू बुग्गी जोड़ और घर चल। चल चल चल, चलो 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 अभी मिलके।
भारत, भारत में भारत। ए बर्फी के कह दी तुझे अखबार मत है वे ढोबरे पेड़े काल सांझ लो के उन्हें मांझ ले है रपक सुनती कैसे ना चौधरी के कह रहा यू बड़ा मिस्त्री यू मांझेगा आज बर्तन क्यों भाई बावड़े भूत। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरा कौन सा कुनबा खाव है जो मैं मांझूंगा ए भी रिश्तेदार। हाँ जी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बर्फी का ही कुनबा खावे है के जो बर्फी मांझेगी क्यों रे। हाँ जी अरे की उठता ना के ओ मिस्त्री ना उठता तू ठागा के मलके को उल्टा जवाब दे रहा। थोड़ी ऐसी की तैसी बदमाश तो बदमाशी। अरे मार दिया। अरे लोटे बच गया फूट गया। मैं बताऊंगा कि कर फुटे गए थरी मरी मार की जाए। अरे क्यों तड़की तड़क लड़न लग रहे हो भाई। हाँ जी देखियो लड़ रहे हैं। अरे ओ पंच हम तुझे तेरे घर बुलान गए थे क्या। ये काम कर अपनी सलाह जेब में रख निकल लेने तक कसम लौटेगी। ठीक कह रहा है यू। अरे हमें अकल मत दे तू। मैं अकल ना दे रहा। अरे अकल ना दे रहा अपनी ऐसे सी मरवा रहे आके यहाँ तू। तेरा टाइम ठीक हो तो घरों निकल ले वहाँ दिए ये भाषण से। चल चल निकल जल्दी। अरे मैं थारे फायदे की बता रहा हूँ। अरे तू दूसरों के घर जाके दूसरों की फायदे की मत बताया कर। न तू कहने तू नू तोड़ा था फायदे की बताने पे ही। चल भाई ना बताने के पर मैं नू कहूँ था। अरे तुम लोग इसके सुन क्यों रहे हो किवाड़ भेड़ो और पकड़ो इसे। हाँ। ले अभी करे दे इसका पंचनामा। लोटे पकड़ो इसे। ले पकड़ो पकड़ो इसे। का टिकट इसे बनाओ मैक्सिम को अभी। आज रुक जा तुझे बनाऊंगे सरपंच। ले लो उठाने दियो। चल दे अगले लोग से छोड़ने के लिए चप्पल क्या रहा था। हमें यूँ हमें बता दे क्या पकड़ो इसे। इसे ढंग से समझा के आइयो इसकी हड्डी को चूरा चूरा करके आइयो ततैयाओं के घर में आके चौधरी बन रहा। भागने की फिराक भी दिखे। अजी मैं भाग ना रहा था मैं तो जाने की सोच रहा था। चला जाऊं अभी भेजू तुझे। तेरी तो भाग रहा है। भागेगा तू भाग रहा है। ओए बांधू क्या बांधू क्या बांधू क्या। टिंग 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 टिंग। भाग रहा है तेरी तो मैं बताऊंगी तुझे। टिंग 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 आ रहा है तुझे मजा। आ रहा है मजा। टिंग 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 टिंग। आज तक ये बात नहीं चला सकते थे। ये बताने दे ये बनाऊंगा अंदर पहुंच तो हमारे प्रधान अनल्ले पर आ जाकर बैठते हैं। अरे हाथ पकड़ा तो तू आज क्या बैठे तेरे को।
अरे पहले इसे फुसफुस लगवाओ ना तो इसकी टैब बोल जाएगी। अरे आज उसे ठीक कर देता, उसके नॉलेज पंप सब ठीक कर देता, पकड़ा जाता तो। रे मुझे मिल जाता मैं लोटा ना मान देता, साड़े का कसम लोटे की। इसका पंप तो कार कहाँ? आज टैब ठीक था इसका, नहीं तो ऐसे ऐसे कुछ मूर्ख में बहाते हम। इसे चलो इसे ना तो इसकी देर भी करनी पड़ जाएगी आज। देर भी बता रहा भाई हमारा, पहले चुपचाप। नहीं मुझे नू लगे जा लिया यार। चलो चलो आज भाल के ले चलो चौधरी है यू। बर्फी को तू बेअकली मान रहा? अजी कैसी बात कर रही हो अकली, थारे में थारे कुंबे में। और एजुकेशन? एजुकेशन तो यहाँ इमाम दस्ते में कूट रखी है। अरे यू थारा घर? हो स्वर्ग ते कम नी, जो यहाँ आके फंस गया, मतलब जो यहाँ आ गया उसका के जाने को जी करे। अर थारे भाण भाइयों में कितना प्यार है। ओए होए 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 होए, मेरी तो मजबूरी है जी, जो जाना पड़ रहा है, बस तुम तो मुझे एक बार जान दो। बिल्कुल ना जान दू। तू तो यू सोच रहा होगा कि बर्फी पे के रोक का जा, तू भागने की सोच रहा। अभी जानता ना तू बर्फी को, देख देख तेरा कैसा हवाई जहाज बना दिया। हाँ जी हवाई जहाज तो तुमने बना दिया, पर एक बात है जी, थारी शिकल मेरी दादी ते मिले हुबा, और वह मेरा बहुत लाड करेती, मेरी सब बात मानने करेती। दादी से शकल मिला रहा है मेरी? दादी बता रहा मुझे, तुझे तो बिल्कुल ना जान दो मैं। अजी तुम नाराज मत हो, मैं तो देख तू ही समझ गया था कि इस घर में तुम ही एक समझदार हो सबसे ज्यादा। और थारा दिल, आय हाय हाय, थारा दिल बहुत अच्छा है, थारे पे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। पर मेरे माँ बाप मेरे यहाँ दुखी हो रहे होंगे, तब मुझे जान दो। बकवास ना करे, आ लेंदे ततैयाओं को, तेरी मिलाई करानी पड़ेगी। अजी मुझे मिलाई की जरूरत ना है, तब मेरे पे अपने पाँव पकड़वा लो, पर तब मेरा वो बैग सा दे दो, इसमें थारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। फायदे की बात बताने वाला अब लोग कहाँ तक जा लिया होगा पता है तुझे? अब तक तो उसकी हड्डी पसली भी टूट ली होगी। हाँ जी हड्डी पसली तो टूट ली होगी, जिस हिसाब से वे हत्ते भागे थे। हड्डी पसली तो मेरी भी टूट ली। पर तब मुझे जान दो। बिल्कुल ना जान दू। मैं थारे हाथ जोड़ू जी, पाँव पकड़ू जी, मारूंगी लात खींच के, पड़ेगा दूर जाके। अजी तुम मेरी बात नहीं समझ रही, जो उन्होंने तुम्हें मेरी गैल बांध दिया तो थारी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। तेरी गैल बांधेंगे वे मुझे, वे मेरा जहाँ भी ब्याह करेंगे ना अच्छी जगह करेंगे। और जो मेरी गैल कर दिया जी? हाँ तेरे जैसे मच्छर की गैल करेंगे वो मेरा ब्याह। अजी बर्फी जी तुम बात समझने की कोशिश करो। देख तेरी नौटंकी यहाँ ना चलने वाली, तू जो काम कर रहा था ना वो ही कर ले, और इसी में तेरी भलाई, ना तो फिर तो जाने हैं ततैयाओं को। हाँ हाँ जी जानू तो। आए ले आओ। हैं? एक तो मर गया दिखे, पल्ली बिछा दूं। अरे क्या हो गया मेरे भाई को? ये चक्कर आ गया सर, भाग तो गिर पड़ा। चलो जल्दी लेके चलो। चलो भाई। हे भगवान क्या हो गया मेरे भाई को? ले आओ आ जाओ यहाँ ले आओ ना। अरे रिश्तेदार के कारण लग रहा तू यो पल्ली। अरे खाट ने ठीक से करते और आवा कर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुन लो करो भाई से। ले हवा कर। हाँ मेरे भाई को क्या हो गया? मर जाओ पड़े को मेरे सिर पे खड़े हो रहे। अरे छाती ना पीटा कालजा निकल जाएगा इसका, तू पानी ला। अरे पानी मैं क्यों लाती, यू लावेगा थारा रिश्तेदार। कितना प्यारा भाई था मेरा। ए चुप हो जा खप्पर मत भरे। अरे इसी घाट पर बैठ के हुक्का पीवा था मेरा भाई। रोवे मत ना, इसके कुछ लिया। हाँ गंगा जल ले आऊं आज तो, गेरी दूंगी इसके मुंह में।
देख मेरा भाई, इसी घाट पे बैठ के मैं इसे अखबार पढ़ के सुनाए करे थी। दोनों भाई बहन बैठ के चाय पिए करे थे। अरे मेरा भाई गांव में जाए करे था, पीट के आए करे था लोगों को, देख क्या हो गया इसे भगवान। हम दोनों भाई बहन बैठ के यहाँ बतलाए करे थे। जब भी खेतों पे जाता अकेले ना जाता, अपनी बहन को गैल लेके जाया करे था। आज मैं ही अपने भाई को गंगा जल खुद पियाऊंगी। गंगा जल्दी से गरम जल ला दे। तू बतावेगा मुझे क्या करना क्या ना करना, अपनी मर्जी तो पिलाऊंगी जो पिलाना। मेरा भाई यू गंगा जल दर उरे को। अबे ये कुछ कह रहा है इसका पंप। अच्छा ढूंढ ढूंढ घर में भीतर वहां धरा ले क्या। हाँ जल्दी ला जल्दी ला। अरे जल्दी लिया। ए देख देख यू टाटा करन लग रहा, जाऊंगा यू। ठूस दे मुंह में ठूस। अरे रिश्तेदार वहां क्या कर रहा है, उरे घुमरिया तू। लगा 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 लगा। अरे ये क्या कर रहे हैं, पंप लगा रहा। अरे यू क्या कर रहे हो तुम, यू मच्छर मारने की दवाई है, ठाई से। हाँ हटाओ इसे। अरे यार हवाई तो देनी, पंप तो दे देंगे। वैसे तो ये मच्छर मारने की है, ये मर रहे हैं किस तरह। लगा पकड़ लगा लगा। अरे मलखे मरेगा के, रुक जा। अरे ये मर जाएगा यू, तुम ये आदमी में हवा भरने का आके टैर में हवा भरने का। पता नहीं मारोगे कि इसे कुछ और दवा पवा दे लो। अच्छा हुआ इस सांसल की सांस फूल गई, नहीं तो आज मेरी सांस थम जाती। पानी के बात है मैक्स सिंह, के सांस से फूल रही। भाई विकास हाँ। यहाँ तेरे समझ में आने की, तेरे घरों बैठ के समझाऊंगा के बात थी। यह बात तेरी पेट है बिल्कुल, तू सारी बात घरों ही बैठ के समझावे। घरों समझाने में तो फंस गया। है भी मलखे, तेरे से कह फेरी कह दी, तू बात बात में लठ ठा के ना भजा। अच्छा। करे अरे बदमाशी करन को मैं तो सही ठीक है। अरे एक बात बताऊं, जब हम दोनों भागे जा रहे थे उस मैक्सिंग के पीछे, तुझे मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी है? अच्छा। अरे मलखा रो मिलखा ना बने। ठीक है एक बात और सुन ले मलखे, तुझे किसी भी लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं है, हम सब अपने आप देख लेंगे। अच्छा तू दूर बैठा बस, नू बताओ जाकर किस में कितने मारने, उसे तो हम देख लेंगे, तू बैठ कर मजा लेकर बस। ठीक है परी बे, काम कर लो, खेत में मर्जी हो जाके हम बैठे बकवास कर रहे। खेत में तो हम चले जाएंगे पर तू यहीं रहेगा। यू मिस्त्री बिल्कुल ठीक कह रहा। अच्छा? मलखा घर ही रुकेगा और इसके धोरे मैं रुक जाऊंगी। तू तो रहने दे, तू तो इसके मुँह में गंगा जल देने को होगी थी तैयार। हाँ तो गर्म पानी से इसका मुँह फूंक देती मैं। जब यू मरेगा ना तो मैं तो गंगा जल ही गेरूंगी इसके मुंह में। गर्म पानी गेर के अपने भाई का मुंह ना फूकना मुझे, और जब तू मरेगा ना तो तेरे मुंह में भी गंगा जल ही गेरूंगी। ये बावड़ी यू काम हो जाता तो गंगा जल तो सारे घम मत आना था। हाँ हाँ सही बात है, यू मिस्त्री रह जा गए। तुम सब चले जाओ, बड़े भाई साहब के धोरे तो मैं रह लूंगा। सोड़े के भगना बस की बिना आज के, आज तो मौका मिल ही जाएगा। अरे तू तो इसकी चिता जलाने के लिए गुस्से भरन लगा था, तेरा बस चले तो तू तो इसे जिंदे को जला दे। तू चुपचुपाला खड़ा होकर खेत में चल। अरे तू रहने दे रिश्तेदार, बुग्गी में बैठ, ये मिस्त्री ठीक है। मिस्त्री यहाँ रह तो रहा पर इसकी दवा दारू का भी ध्यान रखिए, कदी दिखावे अपना मिस्त्री पनारी से सारा खोल के गेड़ दे। जिंगा ठीक कह रहा। चले भाई चलो और निपटाना दिए इसे। चल रिश्तेदार चल बैठ बुग्गी में चल। अजी मैनू कह रहा था
तुम बहुत समझदार हो। अच्छा, यू तो सारी दुनिया को पता, तू कौन सा न्यारी बात बता रहा मुझे? अजीब, तुमने उस दिन भी मेरी बात समझने की कोशिश करी थी, पर फिर थारे वे भाई से आ गए तो तुमने बात छोड़ दी थी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तेरी बात भी समझ रही थी। अजी, मैं कह रहा था तब मेरा वो बैग सा दे देती तो मैं चला जाता। अभी दे दूंगी तेरा झोला, तुझे क्या लग रहा मैं तेरा झोला या हाथ में लिए फिर रही हूँ? आराम से बात करो, रुका तो मत मचाओ। क्यों ना मचाओ, मन्ने को चोरी कर रखी। जी तो कर रहा है इसका दरांती दे पेट पाट दूं। बर्फी बतावे इसे सांप की मौसी को, बर्फी कहवे इसे जहर की जड़ी को, जिससे भाई जाओगी उसी दिन आत्महत्या ना कर ले तो मेरी गारंटी है। यो क्या पट्टी पढ़ा रहा बर्फी को, इशारे से भी बहुत कर रहा, अनु भी कह रहा रुके ना दे। तू इशारे बता रहा, मुझे नू लग रहा है उसके कान में बढ़ने को तैयार हो रहा। इसे उरे को बुला, यो तो सुबह तक थम ही नहीं रहा। ओ रिश्तेदार, यहाँ यहाँ के बता के बता रहा तू? चाल देख इसकी, पा काबू में नहीं है कतई भी, छत्ती का डोहरा मेरी तरफ को। मेरा तो ऐसा जी करे इसकी छत्ती में ईंट मार के इसकी छत्ती भीतर कर दूं कसम लोटे की। अरे थम जा, आ जान दे उसे। आओ रे को है भाई, हम यहाँ बैठे बैठे पसीना पसीना हो रहे हैं, तू वहाँ बतला रहा के बात कर रहा था, वहाँ भाड़ मारी है, किसी दिन बाबली कुतिया की ढाल फाड़ देगी तुझे। हाँ। अजी मैं तो बर्फी जी के धोरे न्यार काट रहा था। न्यार छोड़, ये फाड़ा ठा डोली काड़। नौकर हूँ के मैं थारा, मास्टर हूँ मैं मास्टर, तुमने मेरा बैग भी धर लिया और मैं क्यों रोक रखा हूँ यहाँ? तैयो को जवाब दे रहा, छोड़ कर तेजाब घेर दूँ। तुमने तो हद कर दी, हाँ ये देखेगा देख। रिश्तेदार मान जा, फाड़ा ठाने को रहनी दे, आज मैं तुम्हें काट दूंगा, तुमने बहुत अत्याचार कर लिए मेरे पे। अच्छा काटेगा हमें? हैं? ए, हाँ? मेरे भाइयों को फावड़ा दिखा रहा है, आ गई मैं दूंगी तेरे पेट में दाती। डोड़ी बाद में लिगड़गी, पहले इसकी अकड़ काट लो आज। गिरो इसे टंगी सी मार के। अरे दबो इसे। अरे बाचे इसमें, पकड़ो साले को। मच्छर का मंत्र पता नहीं और ततैयो पे हाथ डाल रहा। अजी मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ तू तो सच में साले मान रहा, मैं अपने मजाक कर रहा था। अरे यू थारे ते भी झोला मांग रहा था के? झोला मांग रहा था? अरे आज हमें निमटाने का प्रोग्राम बना रखा था इनने। अच्छा हाँ। डोली काट देंगे, चलो चलो डोली काटते, डोली काटते हैं डोली। ओ गिरडे, हाँ। एक बात सुन ले, आज के बाद तेरी खाट दूर बिछगी, दुनिया भर के खरेंटे ले तू सोनी रत्ता में, और खरेंटे वे भी बड़े अजीब से, कसम लोटे की। यू सही कह रहा बिल्कुल। अजीब से कैसे हो भाई? अजीब से ऐसे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ले मैं कह दूं। ये कोई खरेंटे हो ये कोई? तेरे में ऐसी लात मारो मत तक जागा तो लुढ़क के। तू जो रात तो पाद मारे हैं, हमने तो आज तक सवाल नहीं उठाया। हाँ, ऐसे ही पाद मारे यू। मैं देखो खाट तो मलखेगी भी अलग ही बिछेगी। क्यों? उसे सांस की बीमारी, हमें और बीमार कर देगा सांसिया। सांसे बता रहा ओलंबे बाल, खाट तो तेरी भी दूर बिछनी चाहिए, फूट कर तू कहीं ओढ़ता वे और यहाँ आकर कर रहा वे, तेरी कर्राट ने मेरे दिमाग में हमें क्या बतावे। हाँ बहुत कर रहा वे यू। अरे इसीलिए तो मैं थारे से अलग अपनी खाट डालूं, इसमें मेरा तो कोई मैटर ना है ना। ना ना तेरा कोई मैटर नहीं है, तू टेंशन ना ले। फिर ठीक है। अरे इन बातों ने छोड़ो, ये जो कार्ड आम है सब में मलखे ही जावे, हम भी तो जाने चाहिए किसी कार्ड में। आने दो मलखे को, आज हम इसी बात का निर्णय करेंगे। चल भीतर चल, बतेरा सी कर लिया यू, बंद कर इस सकेरने को। वो आगे मलखा। ओ मलखे। हाँ। यू जो नोत्ता घोटाला चल रहा है ना। अच्छा। यू होवेगा बंद और नोत्तो पे जा करेंगे हम। बकवास तो करो बंद, नोत्तु में जम्मा मैं, तुम्हें पता मैं ततियों की हवा बना रखी गुआंड में। अरे सुन जा, इस बात को करेगी बर्फी कम्फर। अरे तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो आपस में, तुम सब जाया करो नियोतो में और मेरे निया भी रसगुल्ले लाया करो। तेरा बेटा जीता रहे। अब बर्फी भी रसगुल्ला खावेगी।
मेरा एक सवाल बताओ। ओ अकलबंद, तू रहने दे, बर्फी पूछेगी सवाल। पूछे। हाँ, मैं पूछूंगी। लो सवाल। एक घेर ते लिकड़ी गाय, अच्छा, पांच दरवाजों को पूरी पूरी जा, सात घाट का पीवे पानी, नौ रुखों की बैठे छा, बताओ कितनी गाय। वाह, क्या सवाल पूछा, कसम लौटेगी। अरे यू बर्फी सवाल ही तो ढंग के बुझे, बस इसके सवालों में बस मजा आ जा। बहुत तकड़ा सवाल है यू, इसे रघुवीर पर मन भी पूछ जग रहा था, गांव में किसी पे नहीं बताया जा था। अरे इसका जवाब तो मेरे स्कूल के किसी मास्टर पे भी कदी ना दिया गया। कैसी अगल बटड़ी, मेरे तो सिर के ऊपर कुछ आ रहा, कसम लौटे की। 315। यू कौन से ने बताया? यू रिश्तेदार बता रहा। ठीक है क्या बर्फी? ठीक है। अरे इसने तो बर्फी के सवाल का जवाब दे दिया, यू भी घने पानी में है। अजी मैं पहले ही कह रहा था मैं मास्टर हूँ। ए बर्फी, तू इससे एक और सवाल पूछ, अभी पता चल जाएगा मास्टर कितने पानी में। अभी लो दूसरा सवाल। हाँ। बात कहूँ बात कहूँ, बात मेरे गात में, कोठे में बछेड़ा कूदे। अरे इसका तो नवी बात सही है, कहाँ धरती तले से काट लाई हो बात, यो ना बताई जावे। इससे गया तो गया, दूध बिलोती हुई औरत है। इलाली ठीक कह रहा, गयो ठीक कह रहा, रिश्तेदार में भी घनी अकल पाई। हाँ। अरे तुम एक काम करो, ए बर्फी सब काम छोड़, तू वो जो तू गाना गायक रहे ना टम टम पम पम, वो सुना तू रिश्तेदार को। बहुत अद्भुत गाना। ज़्यादा अच्छा लग गया इसे। इधर काम कर जाएगा तू भी। अरे मलके और कितना तेल लगाओगा इन पे? अरे तेल घर का है, जितना लग जाएगा उतना ही बैठिया, अत्तू को भी ना छेद दे, उतना ही बत्ती चलेगा लट। अब मलके, हाँ जो इन लठों पे तार लिपट जा तो तार तो घना बैठिया, पर तंबे का चा
पर इस झिंगे वाले लठ पर तो शाम चढ़वानी पड़ेंगी दोनों डब। साल भर में दो पाइट दे है भी मलखे, इसमें मेरी क्या गलती है? जब आंख मीच के लठ बजेगा तो फटे गई, आदमी भी है लठ भी। मलखे तू तो खामोखा की बात करे, झिंगे का खर्चा ही के है लठ का और घी का। अरे लठ तो मैं भी बजाऊं, पर थरे की डाला आंख मीच के थोड़ा वहीं बस भाग ले एकदम। मेरे सिर तो बापू आवे, जिस दिन तेरे सिर आ गया ना पता लग जाएगी तुझे। ले बापू तो ना आया, फुप्पा आ लिया। पर सिर आ गया? अरे सिर नहीं आ गया, सैन रूप आया और केड़ी भी लाया। ऊपर राम राम, ऊपर राम राम। फुप्पा जी राम राम, राम बेटी। तुम सारों की उम्र लंबी लगावे भगवान। हाँ फुप्पा लंबी उम्र तो तेरी है, हम तो याद ही कर रहे थे। अच्छा भाई रिश्तेदार का भी नसीब बहुत बढ़िया, फुप्पा आ गया अब इसकी भी मिलाई मिल जाएगी इसे। लाली तू ठीक है? हाँ फुप्पा जी मैं तो बहुत बढ़िया। अरे मेरा घने दिनों से जी कर रहा था, मैंने सोचा बालकों से मिली आऊं। हाँ अरे और रिश्तेदार, यो लड़का परे को धर दे, मेरे फुप्पा की डबकू उठाओ खड़ा। हटाई से इसे परे को फेंक दे, फुप्पा के पैर में पड़ जा। है भी रिश्तेदार तुझे दिखना रहा फूफा कितना चोर दौड़ लड़ंगा, पैर पकड़ ले सलामती रह जाएगी तेरी। नमस्ते जी। नमस्ते भाई नमस्ते। ओ नमस्ते अंग्रेजी बोल रहा जाके खाट ठा लिया। हाँ 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 फूफा हा। नहीं खड़े रहेगा के ए बर्फी जा तू फूफा का तर शरबत ला बना के अभी लाई बना के। हाँ। अरे सुन लो टे तू हमें बर्फ में दबा दे, ठंड में शरबत पिलाएगा। हाँ अरे फूफा तेरी गर्मी का हमें ही तो पता, तेरी गर्मी गांव को भारी पड़ जाएगी, तू शरबत ही पी। अरे फिर भी भैया हलवा बनवा लो। हाँ पुप्पा आ बैठ, आ बैठ। बर्फी पुप्पा को चाय और हलवा बना के ला। हाँ अभी बना के ला रही हूँ, हलवा भी और चाय भी। है भाई यू कौन है? पुप्पा यू रिश्तेदार है हमारा। यू कैसा रिश्तेदार? और हुकम सिंह के होते सोते घर में दूसरा रिश्तेदार? अरे पुप्पा बिद के ना यू बर्फी को माल बता रहा था, हम इसे ठा ले। यू लागे रहेगा खेत खात में, तेरे ते नेरा कौन रिश्तेदार है और किसे रिश्तेदार मान रहे? फुप्पा यू भी माल ढूंढता हांडे। अच्छा माल समझ में ना आया? अरे फुप्पा यू बर्फी पे निगाह ही धर रहा। अच्छा हाँ ले भाई बंदूक पकड़, इनके हुआ तू, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ जी। तू जानता नहीं हुकम सिंह को? ना जी। बताया ना हुकम सिंह के बारे में? ना। अच्छा हाँ जी हाँ जी बताया था, सारी बात समझाने का ठेका फुप्पा का ही है। बता तेरी तो कह रहे हैं ये लोग पूरा काम जाने है, हुकम सिंह क्या चीज है जी समझा? आज तक हुकम सिंह ने आदमी सुधारे और कुछ ना करा। बोल सुबह को गोबर उठाएगा? हाँ जी हाँ जी। बोल रड़का मारेगा सुबह को? हाँ जी हाँ जी। सारे ढोरों को पानी पिलाएगा? हाँ जी पिलाऊंगा। और मेरे शाम को हाथ पैर दाबेगा? हाँ जी दाबू हाँ दाबू। और फिर खेत पर काम करने जाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर तेने बर्फी की ढबकू देखा ना इस पेड़ पे उल्टा लटका के नंगा करके मारूं मैं, समझा? हवाई मलखिया ठीक किया ना? अरे फुप्पा तू सारे काम बढ़िया कर, बहुत बढ़िया। और बता मलखे कोई काम में कान तो ना मारता? अरे तेरे रे तू कौन कान मार देगा फुप्पा। और यू अब कुछ बोले तो मुझे बता दिए। ठीक है अरे ओ लोटे। हाँ रोटी बन गई है फुप्पा जी का खुआ दे। हाँ ये तो वैसे भी बाढ़ देख रहा जमा ले रहा बेचारा। अरे घाल दिए ठाके ले जा। ओ जिंगे तेरे पे रोटी ना खुआई जाती, रोटी पकड़ा। यो देख कैसे पामड़ा सा बना बैठा, अरे फुप्पा की सेवा कर ले रोटी दे दे ठाके। अरे उठ जा देख के रहा, उठ के रोटी खुआ दे। अरे कभी इंगे हांड रहा कभी उंगे हांड रहा, हमारे फुप्पा को रोटी ना दे रहा। लो जी। अरे पानी तो ले देता, हाथ धोवा दे पहले फुप्पा के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे यू क्या कर दिया? अरे 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 ओ पुप्पा ले तू मुंह धो, हाथ पूछ पूछ तेरे मुंह से पुप्पा का। अरे यो क्या बुरा सुक्का लिया है, इसमें घी तो लाया नहीं। हाँ जी अभी घी का भर दे गैस। अरे यू क्या कर दिया तेरे द्वारा लेका? अरे रहन दे थोड़ी सी तो बुरा थी यार, एक कटोरी लाए थे दुकान पे थे उधार। अरे रहन दे जो हो गया इसे रख दे, बुरा पुप्पा के लिए था यो, इसके सिर पर जाओ पेट में जाओ एक ही बात है। गर्मा गर्म सी रोटी लेकर फुप्पा बहुत रिश्तेदार है हमारे, पर एक बात बताऊं तेरी जैसी सेवा किसी की नहीं करते। क्या रोटी? हां ठीक कह रहा, ठीक ही कहूं मैं। आ कर 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 यार चला दिया रे फुप्पा, मार दिया थारा रे पीतो रे मारो बैठ आयो तो मारो और मान रहा है हमारा फुप्पा। वो फुप्पा हमारा हमारे छान वंदन नहीं आ रहा, तू सोच रहा गधा या उल्लू का बट्टा हो। हाल तार देंगे तू मान रहा मेरे फुप्पा की जोड़ खसड़ा। हां अरे इसकी हम कर रहे हैं सेवा, रोटी पाड़ ना रहा हूँ, तू ना मान रहा है इसमें अपनी जितनी भी अकल। निरोल बेवकूफ मान रहा है जी, जी, जी।
तुझे मारे फूफा की सिकिल बढ़िया ना लग रही? उसकी मूंछ देख जैसे काले कुत्ते की पूंछ। और हमारे फूफा का पेट देख, ऐसे ले रहे ढोल। और कुर्ता देख उसका पेड़ा पेड़ा। अरे धोती देख उसके गलढे देख। अरे मन ने करके दिया। अरे के करना चाहतू, उसमें दो जूत और मार दे तू काट के। अरे तुम लोग देख क्यों रहे हो बाजे इसमें? ला साले ले। मलदे भाई कमर सी ए, तू कहाँ चली तड़की तड़क? मैं बेसन लेने जा रही, आज फूफा को गर्मा गर्म हलवा खुआऊंगी। अरे लिया। अरे तावड़ा जोड़ ले। ले मकाक गया को, जाने है तू मुझे फेर। चल। अरे ओ पाने, मेरे फूफा की बढ़िया खातरदारी करिए। हाँ अजी बिल्कुल जी, कोई कसर नहीं रहने की। इकलौता फूफा आयु मारा, उस दिन की डाल मत कर दिया, कदी फिर हंसता पावे। और कोई दिक्कत सामने आई ना तो गात देख रहा तू मेरा, पार दूंगा। मारू कमू खचेड़ू जा दू मैं। यू, 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 अरे आगे पीछे यू एक फूफा, कदे बुराई ले। चलो चलो भाई चलो। अरे लोटे मोड़ दे। अरे मलखे ना बैठा लो। चलो लियो राम का ना। ओ लाला बेसन दे दे आधा किलो। हाँ हाँ दे रहा हूँ। हाँ तो दे जल्दी। ओ लाला बर्फी है के? ओए तेरे घर में माँ बहन ना है के? साले मुर्गा बना दूंगी, बर्फी खाओगा तू? मैंने तुझे क्या कह दिया, जरा होश में बोल। बर्फी को होश में लावेगा तू? तेरी तो बर्फी के बाद होगी। अरे मखौल कर रहा हूँ मेरी गैल। बाबा ये गांव वाले नहीं जीने देंगे, मेरे फेर नु कहत दिए लड़े हैं कसम लोटे की। अरे जिसे जो कहना कहन दे, मार सारे को। अरे बाजे हां मैं मेक्सिक तुझे क्या चाहिए? तेरे की डाड़ी। हां मैं बता क्या चाहिए? अरे अरे वो इनका मैटर है। लोटे ले क्या कर लिए? समझ गा। अरे मेरे बेइज्जती जा बेसन के। अरे यार हद होगी। साड़े देखना चाहिए यहाँ से। अरे तोड़ दिया। कम तो ना था बर्फी में। चलते चलते भी मार गया। मुझे भी पिटवाता भाई तू तो। भाई मेरी क्या गलती थी? भाई मन ने ऐसा क्या कर दिया, साड़े मेरी सोड़ भर गए। तुझे पता ना बर्फी इनकी बहन का नाम है। अच्छा और ये ततई है, ऐसी चिपटे निकल ले। ठीक है भाई। हाँ भाई मैं अब बताते जे क्या चाहिए था। यार मैं खुद भूल गया था। हाँ याद आई, ततई ने काट लिया, तू इसकी दवाई देता दिखा। हाँ है। लाइए जरा। देख यू है मारा पथवारा और ये सारे गोसे मारे। ओहो यू सारा माल थारा आजी। माल बता रहा, तेरे मुँह तो माल बहुत निकले है। अजी मैं तुम्हें ना कह रहा, मैं तो गोसो को कह रहा हूँ। घड़ी बकवाद ना करे, इसमें से सूखे सूखे गोसे भर ले। अब न्यू कैसे पता चलेगा जी सूखे कौन से हैं, आले कौन से हैं? अच्छा उस दिन तो खुद को पढ़ा लिखा बता रहा, तुझे ना पता सूखे गोसे कौन से हैं? जो इसमें से हल्के हल्के हैं ना वो सूखे, और जो भारी हैं वो गिल्ले। अच्छा जो मलके जैसे हैं वे सूखे सूखे हैं, और जो गिरडू जैसे हैं वे आले हैं। ऐसे मारूंगी तेरे भसरे में, मेरे भाइयों के बारे में कुछ बोला तो तांडा भर ले इन्हें, देर होने लग रही। अजी काम तो मैं सारे कर ही रहा हूँ, पर मैं थारते न्यू कह रहा था तुम एक छोटा सा काम कर दो, मेरा बैग दे दो, मैं सरकारी मास्टर हो रहा हूँ। कोबर बात ने कहा तो तुझे पता ना, तू मास्टर किसने बढ़ा दिया?
अजी मैं सही कह रहा हूँ, मन्ने ना कही थी कुछ, मैं तो गलत फंसा हूँ, मैं तो सरकारी मास्टर हूँ। मन्ने ना तेरे जैसे मास्टरों के मुंह फेर रखे, एक सवाल पूछू तेरे ते। अजी मेरे पे ना दिए जाएंगे थारे सवालों के जवाब, गुस्से भर लो और चल रहे हैं। भर ले जल्दी। अरे तो अल्लाह दिखे, ओहो हो, मर लिया जिंदा है तू भी, मेरी ढाल फंस रहा है इनमें, मरेगा ही, माल के नीचे दब के मर गया दिखे है भाई, भाग जा लिकट जा यहां तक कहीं, यू तो हो लिया दिखे खत्म। ए चल खड़ा हो ले और घर चल। अजी मैं तो न्यू कह रहा हूं, तुम बहुत समझदार हो, थारा सारा परिवार इतना अच्छा है, ज्ञानी परिवार है, मेरा बहुत जी लग रहा है यहाँ, तुम तो बोल लो तो फूल से झड़े हैं, मेरा तो जी भी ना कर रहा जाने को, पर यू काम ही ऐसा, मैं एक बार कागज जमा कर आऊँ फिर आ जाऊंगा। तो यू ही चलेगा या पिटके चलेगा? मैं ऐसे ही चल दूंगा मैं तो। हाँ तो चल भरी ने और चल। अब आया ना लेन पे। हाँ सही कह रहे फूफा, तेरी तो बात ही अलग है। केले ही तो लाया हूँ मैं, अब छिलके बिठाऊं थारे। लैली तू बता के लेन आई यहाँ? मैं तो नाच साफ कर रही थी, मेरे पे ना हो अकेले को साफ, तुम में से कौन सा मेरी गैल चलेगा तुम यू बताओ। बताना के है, रिश्तेदार जाएगा, चल रहे चल बे, जब तक ऐसे ना नाच साफ करवा। ए बर्फी मेरी एक बात सुन के जाइए, फुप्पा कुछ पेमेंट आ गया गंडे का, तू बता क्यों कर करे। आ गया पेमेंट? हाँ आ गया भाई, 60,000 रुपया। भाई 60,000 रुपए आए हैं तो मेरी मानो तो इस गांव में जो भी कान हलावे पहले उसकी सल बैठा लो। मैं तो सोच ही रहा था इस बात को, मगर फुप्पा भी आ रहा, ये पीछे भी मुजरे आ जाएंगे, ई बतला ले उस बात को क्यों कर। अरे तुम मेरी मारो पहले, बर्फी घाट पी ले कर दो। ना फुप्पा मैं कहीं ना भागे जा रही, पहले तुम इस गांव में फालतू बोलने वाले लोगों का राह बिठा दो। सबसे ज्यादा फालतू तो ये रिश्तेदार बोल रहे हैं, सबसे पहले इसका राह बैठाओ। अजी मेरा क्या किस्सा, मेरा कोई किस्सा नहीं है, मैं तो एक मिनट में चला जाऊंगा, तब मेरा वो बैग सा दे दो। हाँ तू लेके जा बैग, हैं? तू भी बहुत दिनों तक मंडे की बाट देख रहा। अजी ना जी ना, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अरे मैं तो नू कह रहा 20,000 में इसमें को कभी किस्सा नहीं मिटलेगा, ओड किस्सा ना यू निमटो इसे भी। अरे देख लो भाई, बर्फी के फेरों की जरूरत है पहले। अरे फुप्पा जब ब्याह इतना आसान है, तुम्हारे पांचों में तो करवाना तो पहले कोई से का। हाँ हमारे काम का सहारा भी हो जाएगा और हमारी भाभी भी आ जाएगी। बर्फी ठीक कह रही है, बर्फी का तो बाद में भी हो जाएगा, हम पांचों में से एक का जुगाड़ करवा दे, और फुप्पा इतने उल्टे हाथ का काम है। अच्छा भाई, और फुप्पा यू जरूरी ना है कि मलखा बड़ा है तो मलखे का ही पहले ब्याह करना, इन पांचों में से जिसका जुगाड़ लगता हो तो उसी का ब्याह करवा दे, हम तो उसी का कर लेंगे। ए छोरी तू जा, वो नाद साफ कर रही थी तू वो कर ले। ठीक है, भेज कौन से को भेज रहा मेरी गैल? हाँ तू जा भेजू कोई से। अरे ओ रिश्तेदार, तू गेट की ढंग को बहुत भागे, तुझे नाच साफ करने को कही थी तो नाच साफ कर, चल गेट हम अपने आप खोल लेंगे, चल। रुक, कौन है? कौन है? शटअप। कौन है जी? मैडम ये। अच्छा नमस्ते जी। ततैयाओं का घर यही है? हाँ यही है जी। ये कौन गया? ये तो जी जीजा हमारा। अच्छा मैंने सुना है तुम लोग गांव में बहुत झगड़े करते हो, लोगों को बहुत परेशान करते हो। नहीं जी हम कोई बदमाशी नहीं करते ना कोई झगड़ा करते, मारा तो सब आना जाना सब मारा में। ये बुढ़ा कौन है? यो मारा फूफा जी, बहुत बढ़िया आदमी, केले भी लाया जी। यो और ये बंदूक? यो फूफा बोल। लाइसेंस है जी इसका। अच्छा ठीक है, चौकी में आके तुम लोग एक हलफनामा दे जाना, नहीं तो तुम सबको हवालात में बंद कर दूंगी, समझे जी? इसकी जरूरत ना, हम खुद ही आ जाएंगे। इसकी जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। बैठ जाओ जी, गाड़ी में बैठ जाओ जी। हाँ बच गई जान, हलकनामा कह के गई है। नौटंकी ना करे, ढंग से कर ले इसे, ना तो फेंक दूंगी यहीं से नीचे।
पर फूफा जी और चाय ले लो। बस बहुत धो लिया हमने, ले लो थोड़ी सी तो ले लो। ना, 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 ना। आज अरे तुझे समझ ना आ रहा क्या कह रहे फूफा जी? अजी चार ही गिलास तो पिए और पी लेन दो। जाऊंगा हमारे कमल के एक बात बताऊं, नस से बिछा दूंगा, खून की नदियां बह जाएंगी। तू उठावे जैकेट पहरे नवे नवे कपड़े, नोते में चला जा, नोते में जाओगा लोटा। मेरे लत्ते बदल तू सारी का आग लग जा। नोता सारी का है लंबरदार, थाने तो है पर थाने तो है। अरे अरे फिर थाने में सबका जाना जरूरी है के? यू चौधरी है, यू ही नोतों में जावे, यू ही थाने में जाएगा। मेरे तो वैसी घुरड़ घुरड़ हो रही पेट में। इससे दावत के नोते में जान की कह दो, फिर ना हो इसके घुरड़ घुरड़। अरे इस रिश्तेदार को भी ले चलो। हाँ इसका भी लाख जगह बहरा, इसे ले चलेंगे कितने एक मास्टर है। हाँ हाँ मैं चलूंगा। जब तुम इसे ले जा रहे हो तो मुझे रह नहीं देते। देखो मान लो मेरी बात, वे बोलेंगे ओले सोले और तमें फेर मेरी पता ही है, फेर मेरे पे थमा नहीं जाता। एक आध हो जाएगी हत्या, लग जाएगा पुलिस का केस। अरे मलके तू एक काम कर भाई, सब जनों का जाना तो ठीक नहीं है, तू और बर्फी दोनों चले जाओ, या तो उस थानेदारनी को एक बात आगे की बता देगी। अरे मैं क्या करूंगी वहाँ जाके, खामखा मेरे पे कोई छिप जाएगा, फिर नू और बोलोगे कि यू के कर दिया तन्ने। अरे ठीक कह रही, छोरी छरी का जाना ठीक ना है, तुम चलो। सारू को ही चलना पड़ेगा, उस महकूके ने सारे इनके नाम लिखवा रखे, बुग्गी में बैठो और सारे लदो। चल भाई रिश्तेदार। इनकी गैल गया तो बिल्कुल नहीं भागण दे, हाँ यहाँ रह तो कोशिश तो करी जा सके भागने की। खून लगी दिखे पेट में घुरड़ घुरड़। अजी घुरड़ घुरड़ की बात ना, सारा काम पड़ा मैं के करूँगा जाके। अरे तुम घनिया कल बन तो बनो ना, एक केस तो पहले लग जा, यू और रोड़ा सोड़ा बोल दियो एक और लग जाएगा, तब मैं कहूँ चलो। अरे पर यू सब तो ठीक है, अपनी गैल कोई समझदार आदमी लेके चलो। अरे इस धरती पे मेरे तो समझदार आदमी कौन है? अरे है ना यू फूफा, ऊपर से नीचे तक इसमें अकल ही भर रही, और मैंने तो सुना इसने थानेदार भी कूट रखा कही है। अरे भैया तुम थाना कचहरी छोड़ो, मैं तो घर पे ही ठीक हूँ। हाँ एक बात बताइए। हाँ पूछ। जो दरोगा ने हमारी ढाल कर दी तो? हमारी ढाल? हाँ। अरे जो उसने हमें भीतर बाढ़ कर किवाड़ भेड लिए, जब के करोगे? अरे तुम डर क्यों रहे हो, मैं थारी गैल इसी नाम का तो जा रहा हूँ, और ना तो मेरा काम ही कहता थाने में, और ज्यादा कोई दिक्कत आई तुम फूफा को तो जानो ही हो, फैला देगा वहीं। हाँ। दरोगन को गेट पे बुला लेंगे। हाँ तेरे कहे तो अभी जागी बुला लिए। अरे तुम डर क्यों रहे हो, फूफा साथ में, कुछ ओली सोली बोली ना तो फूफा मुँह पे मारेगा ये। अरे फूफा मारनी अपनी जान तक खेल जाएगा। अरे हुकम सिंह तू कहाँ फंसने जा रहा है? अरे हुकम सिंह सोसाइटी के पैसे भी ना गए, और अभी बंदूक का लाइसेंस भी रिन्यू हुआ, और ट्रैक्टर की किस्त भी जानी है, अरे मुझे तो खेतों में पानी भी लगाना है। अरे तू कहाँ फंसने जा रहा है, अरे निकल ले अपने घर को, थाना कचहरी जाना ठीक ना है, इसी में भलाई है। अरे बस स्टैंड डालिया दिखे। अरे फूफा बस स्टैंड नहीं हो, बाईपास आया अभी, चल। अरे तुम मुझे तारो, मेरे खेत सूख रहे होंगे, मेरी भैंस लातरी होगी। हाँ अरे फूफा कहीं कोई ना लातरा ना कुछ सूख रहा, आधा घंटे की तो बात है, बैठा रहे आराम से। अरे छोटे से काम का क्या करूंगा भैया मैं, अरे कोई बड़ा सा काम हो तो मुझे ले चली हूँ। अरे फूफा अब तू छेरा तो है मत, वैसे तो तू दरोगा के कान पे मारता कही है, और आज तेरे बालकों पे आफत आई तो तू पीठ दिखा के भाग रहा। अरे मैं भगना रहा, थारे चक्कर में मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा घर का। ओ फूफा यहाँ रहने दे उतरन को, सीट भी ना मिलने की, वंतर तो ये बैठ के बस में। अरे मैं तो खड़े खड़े चला जाऊंगा भैया। हाँ अरे कहाँ जाए, अरे तू कूद लिया, निश्चित होकर जाओ, कोई बात होगी तो मैं देख लूंगा। हाँ घबराने की कोई बात नहीं है, मर पड़ेगा धोखा। अरे तुम डर काहे को रहे हो, झींगा है तो सही थारी गैल, सब तो आगे हम रहेंगे हम। अरे फूफा गांव को आंड में आवे जावे, वो सारी बात सोचे, नून उतरे वो कुछ हिसाब लगा के उतरे होगा। अरे फूफा ने न्यू सोची, थाने में कदी गोली गाली चल जा और यू केस उलझा, नू भी हो सके। हाँ बिल्कुल सही कह रहा तू, दिक्कत ना लो हम हैं। वे ततैये तो गए हैं बाजार, और वे तो कुछ ना कुछ खा के आवेंगे, मेरे लिए न लाने के कुछ भी। एक काम करती हूँ, मैं तो अपने लिए हलवा बना लूँ।
अरे मैं क्यों बढ़ाती? यू बैठा बावड़ा भूत, इस पे ना बढ़वा लू। अरे बावड़ा भूत, तुझे हलवा बनाना आवे? हलवा? ना जी, मुझे तो ना आता। तुझे हलवा बनाना ना आता? खुद को तू मास्टर बतावे? बता, इसे कुछ काम ना आता, सारा काम हम इसे सिखा रहे। हलवा बनाना ना आता, अब मुझे ही बनाना पड़ेगा। बताओ भाई, यह अजीब क्वालिफिकेशन बता रही है मास्टर की, पागल फैमिली। बेटा पूरन, यही सही टाइम है लिकड़ने का, लिकड़ ले किसी जुगत ते। अब तो खुद ही बनाना पड़ेगा, बैठा है, इसे ना आता कुछ भी काम। ओके, आपकी कंप्लेंट लिख दी गई है, तो आप परेशान मत होइए। ओके, ओ गिरडू। हाँ मलखे, आलिया थाना जा होया। अरे भाई सारू को चालना। अरे घर का चौधरी तू है, तू रहेगा सब दाग, जा होया। तू भी घर में पांच में हिस्से का, फिर सो बात बताए तुम्हें आगे कर पीछे का, सारू को चालना चाल लो। अरे मैं कुछ ना कह रहा, जा होया, जा ना उतर ले। चलो तो फिर, चलो भाई चलो, कूद दो, चलो 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 भाई, चलो चलो चल भाई, चल 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 उतर, चल बुग्गी छोड़ रहे तू या। अरे हो कि तू कहाँ जा बड़ा? अरे यू पहिया सा बेकार है, मैं इसने ठीक कर लूँ, तुम होया हो भीतर। अच्छा, अरे वो जिंगा कहाँ? जिंगा ओरा देख पीछे बड़ा बुग्गी के, निकड़ बे, आओ चलो। होया होया हो, जा चलो चले भी, चलो चल चल। अरे चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, रुक जाओ, चल रहा हूँ। एक बात पता सी करनी थे, क्या दरोगन है के भीतर? एक मिनट से बाहर भेजो, हम मिलना है। ज्यादा नेता ना बनो, अगर सुन लेगी तो बेहतर कर देगी। अजी नहीं, तुम जाके बताओ तो सही, इनके थारे खासम खास आदमी आए हैं। और हम वैसे ना आ रहे, घर गयी बुलाने, जब आ रहे हैं। तुम जाके कह दो जिसके घर गए थे ना, मैं पांचों भाई मिलना है, कसम लौटे। अजी तुम जाके बताओगे, मैं तो सुनती भागी आवेंगी। अरे मुझे माफ कर दो, मैं अपना मामला खुद निपटाना आया था, भीतर जाकर खुद बात कर लूं। उल्लू का पट्ठा, चलो चल बे मलखे। अरे ओ मलखे, या दुरोगन भाई है क्या, या तो हूबहू मेरी बर्फी जैसी लग रही, कसम लोटे की। सही कह रहा तू, एन मेन बर्फी है। ए क्या बात है, इधर आओ। दुरोगन जी राम राम, पिछाड़ दे लिया होगा जी। राम राम। कौन हो, कहां से आए और क्या काम है? अजी हम जोधे के श्यामपुर ता आए, मलखू के भड़काए में आया, खत्म आई थी मेरे घर। अच्छा हाँ, भड़काने पे तेरे इतने मारूंगी डंडे, अकल ठिकाने आ जाएगी? फालतू की बात कर रहा है, मैं भड़काने पे गई थी। अजी अजी सुनो तो। चुप, बता किस काम आया? अजी तुमने ही तो बुलाए थे। सुना है गांव में काफी चर्चा है तुम्हारी, लोगों का जीना हराम कर रखा है तुम लोगों ने, गालियां देते हो, मारपीट करते हो, क्यों? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं जी, मार तो सारे गांव तक प्यार है, इतना प्यार तो कोई कर भी नहीं सकता किसी को, कोई मारे दो मार जा जी, हम तो किसी को तू भी ना कहते। आपको गलत खबर मिली है जी, आपको बताया तो था जी उस दिन। बताया था। अच्छा वो कागज लाने को भी कहा था तुमने? हाँ हाँ ठीक है, लायो लिख के। हाँ हाँ जी, दिए बस। ऐसा ला रहे जी, आप देखती रह जाओगी। साइन किए इस पे, तारीख डाली इस पे? अजी तुम ही डालो, तुम क्या कुछ गलत करोगी, खुद ही डाल लो। इस पे साइन करो और तारीख डालो, और इसे ले जाके मुंशी को दो, और चलो पिछड़ो। अजी साइन तारीख के ऊपर करें या नीचे? बताओ तुझे साइन कहाँ पे होते? आए हो तुम लोग नेता बनकर, और तुम्हें ये नहीं पता साइन कहाँ पे होते कहाँ पे नहीं? जाओ साइन करके लाओ और तारीख डाल के लाओ। तू भी इसी तरह बुझेगा साइन करने को। अरे सारा कागज खाली पड़ा कहीं कर। अरे चलो चलो लिखड़ लो तुम। नमस्ते जी। आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से मूर्ख। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ततियो की अकड़ निकाल दी, इनके सामने तो पूरे इलाके में कोई बोल ही ना सकता। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। और हाँ, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं पाया जाना चाहिए, वरना हथकड़ी लगा के अंदर कर दूंगी। ना जी मैडम, हम कोई फॉल्ट उल्टा करने के। नमस्ते मैडम। हलवा बनाऊंगी अब मैं, मजा आ जाएगा। आज खाऊंगी हलवा कढ़ाई भर के।
आज तो मजा आ जाएगा, हलवा छिक्के खाऊंगी। कहीं भी आ ना जावे। कहीं आ ना जावे ये लोग। यू भरोट्टा यहां कैसे पड़ा? देखू मैं। आग भी बुझ गई। अब गेरू इसमें घी। कैसे आ गया? अभी देखूं मैं इसे। भरोट्टे की वजह से मेरा हलवा जल जाएगा। इस भरोट्टे के चक्कर में आग भी बुझ गई। पहुंच गया यहाँ पे। आज तो इसे ही देखो, इसे ही काटूंगी गड़ासे पे। इस भरोट्टे ने मैं परेशान कर दी, यहाँ पहुंच लिया। तन्ने बहुत दुखी कर दी, मैं हलवा भी नहीं बना पा रही। आज तुझे ही काटूंगी पहले। Oh!
कैसे खाली चला रखा है, तेल फूकने लग रही बिना फालतू में। ये इसका क्यों पीट पीट के हलवा से बना दिया थे? अरे हलवा तो वो घुटन लग रहा। अच्छा भारी गैर हाजिर में हलवा बना बना के खावे। हमला जिंगे लोटे मारवाला एक दर्पी खींचे मलके तू मरेगा खाके। भाई वाह वाह मजा आ रहा है। होश में हाँ भाई एक बात की तुमने भी गौर करी, वह दरोगा ने मारी बर्फी बिल्कुल एन मैन एक डाल की। हाँ, ये बात है बिल्कुल मेरे जैसी। हाँ, बिल्कुल तेरे की डाल की, बिल्कुल सकल एकदम। हाँ, उसे लकोलेर तजा काट दे कुछ फर्क नहीं। अरे तू क्यों मारे सिर पे खड़ा, जाके वहाँ जाके लोट काटना पड़ी वहाँ। एवं मलखे, हाँ मेरी एक बात समझ में आवे, इस दरोगन को तो बांट दो कोठे में और बर्फी को बैठा दो थाने में। तू भी कह। अरे तम लोगों ने मैं पढ़ा दी होती ना तो मैं भी बन जाती दरोगन। ये लो के बात कर रही है तेरे में इतनी अकल? अच्छा मेरे में अकल ना है? वे रुक तो जा, सुनते ले कुछ अकल की बात बताओगा, बता भाई। हाँ हाँ, अरे वहाँ पढ़ाई लिखाई का काम होवे, इंग्लिश भी बोलनी पड़े। अच्छा मुझे इंग्लिश ना आती, वो ओके कहवे वेलकम फर्स्ट क्लास सारी है थैंक यू। और बता के बोलूं, मुझे तो इंग्लिश में ही बात करनी आवे, वो तो बावड़ा भूत है, तुझे ना समझ आवे मेरी इंग्लिश। हमसे ज्यादा इंग्लिश जाने है या? और जो भी इस घर में फैसला हो ना यह कम्फर करे। हाँ, 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 हाँ। कम्फर बता रहा कन्फर्म को। अरे तू जा पर को पाड़ रहा नाम के टिकट अंगाई लग रही है इसे। हमें पढ़ा रहा अंग्रेजी, हमारे घर में काम तो कुछ है नहीं, इसे राज आ रहे हैं। पुलिस की जीप आ रही है भाई। हाँ तो आन दे, मैं तो सही डर क्यों रहा तू? अरे मैं डर न रहा, मैं तो न्यू कह रहा था फिर यार रोकेगी पूछताछ करेगी फिर तो मैं थाने बुलाओगी एफिडेविट जमा करने को कहोगी। अरे आज तो तेने बड़ी अकल की बात कही है, तू बता के चाहवे? अरे मैं न्यू चाह रहा हूँ एक बार बुग्गी रोक लो या लिकट जाएगी तो फिर अपने चल दियो। अरे ठीक कह रही, पुलिस से बचना ही ठीक है। अरे कुछ ठीक ना कह रहा, हम डरे हैं कि इसते उस दिन हम थाने में गए थे इसने चू भी ना करी है। अरे ओ तू कैसे मुंह फेर के बैठगा, तू तो ऐसे बैठगा जैसे तुझे ही पकड़ने आ रही हो पुलिस। अरे यह बात ना चौंधा सा लग रहा। ए मलखे तुम इस बुग्गी को ना रोको, उस गाड़ी को रोको, तुम बता रहे थे ना वो थानेदार ने बिल्कुल मेरी जैसी दिखे है, मुझे देखनी वा। हाँ तमाशा मैनरी अकुशा रुकवा और तुझे दिखाऊं हैं, सबको बांध लेंगे वहीं बैठा लेंगे हमें सबको। कैसे बांध लेगी, हम डरे हैं उससे। मुझे पक्का यकीन है एक दिन तू ही बंधवाओगी हमें, कसम लौटेगी। चल किसानों का दिया कुछ अखबार में पढ़ तो रही हूँ, सुन ले भाई गिरडू। इतना दब का नाराजा कसम लौटेगी। न्यारा होना तो होना, आगे पीछे की सारी बात कह दे। अरे मैं सारी कहूँगा, तुम पीछे मत हट जियो बस। बिल्कुल नहीं, चलो चल। के कंधे पर अरे ये दोनों के घुंडी सी बनाए बैठे हैं। घुंडी घुंडी तो तुम बना रहे देखो, क्यों जिंगे भाई तुम तो मुझे इस राजनीति से दूर ही रहने दो, तुम पे कोई आफत आ जा लठ बजाना पड़ जा बता दियो झेंग दूंगा, पर ये घुंडी घुंटी तभी बना लो भाई। अरे मारी तो बन गई। हाँ अरे मलखे एक बात बताऊं, ऐसा नहीं चला जैसा तू चला। हाँ। कसम लौटेगी। अरे के चला रहा मैं? अरे तेरा मी में हमें भेज दे, ब्याह के कार्ड का तू पता नहीं घेरता। अरे घर यू हमारा भी है, हम कौन सा पीछे से आ रहे हैं। अरे हम इस घर के ना आके
हम पीछे तो आ रहे के। अरे कौन कह रहा पीछे के आगे के हो? परेश भाईचारे को ना बिगाड़े। तू चलन दे रहा भाईचारा। थारे मरज के है तब मरज बताओ, हम उसी की दवा करेंगे। ए रपक बात सुन ले मेरी, या तो कर दिया मैंने अरे, या ब्याह के नोते होंगे सारे मेरे। वही ना बात। हाँ यो बात तो तू भाई ठीक कह रहा, मैंने भी इतने कई बार कही पर यू मारी तो मानता नहीं। और इसका यो हाल तो तब है जब इसके काले टीवी के परे चल ले। ठीक कह रहा जिंगा। घना बड़ा चौधरी तो बना चादर दे पहले। चादर कैसे दे दूँ? अरे अरे चादर छीन ली। ले ली चादर? हाँ ले ली। लौटते लिखड़ो अपनी जर्सी गाड़ में मुर्दे। ओ मलखे सूसु तो कहनी मार पे आती नहीं, हम कहे सुद्दी सुसरी, या तो चौधरी रहेगा गिरडू या होंगे न्यारे। हाँ चौधराज कहीं में चाहिए जाए। चौधरी अच्छा होता ना तो हमारे गांव की सुल बठा देते और हमारा भी कुछ रहा बैठ जाता। अरे अपने चक्कर में मारा भी आनी होने दे रहा। हाँ तेरे लक्षणों के चक्कर में तो या छोरी घर बैठी बुढ़ी हो लगी और मारा भी आ, वो तो भूल ही जाओ बत्तखसी बाड़ो वाला। सारे नोते इनकी रेड मरी पड़ी है। चौधरी अच्छा होता ना ऐसा घपला ना होता, सबको बराबर बराबर बटते। में तेरी गैल कौन सा घपला हो गया? अरे पक नु बता, जो ढिंगाने से कार्ड आया था उस नोते में कौन गया था बता? यू गिरडू गया था। ए दाता तू रहने पर झूठ बोलने को, इस बात का शिवालय में धर्म ठा दूं मैं। और वो जो कनस्त्री के पीछे कार्ड छुपाया था किसने छुपाया था बताइए? ए गिरडे मैं तेरी नस नस को जानू, तू कड़ियों में तो साफ बतावे ना, और जो भी कहना है सुद्दम सूद क्या बस। ओ भाई मैं गया था तुम कोई से नहीं गए, पर राइड ना करो चुप हो जाओ। इसी बात की तो राइड है, तू नुत्ते में गया था ये राइड नहीं थमे, कसम लौटेगी। यार राइड जब थमेगी जब गिड्डू को तू चौधरी हाँ। बना देगा, नोतों का घोटाला जब ही रुकेगा। ए मलखे हाँ बना दे से चौधरी, मार राइड को। ओ भाई ततियों में तो सभी चौधरी हो, पर तू नहीं मानता ले थाम या चादर बन ले चौधरी। इब तो राजी तू, इब तो मर गी राइड। मलखे तेरा नोता घोटाला ले डूबा तुझे तो यो। अरे कोई बात नहीं तुम लो दावत लो। ओ चौधरी की डबते दावत आ रही। अरे पक आज बनेगा हलवा, गिरडू की फौज करेगी मौज। अरे फुप्पा कुछ बुला ले मैं। अरे हंड दे उस लंगड़ को, दिमाग खराब करा के यहाँ। ओ मलखे तू जो कर सके था कर लिया, अब गिरडू बतावेगा कैसे हो काम और कैसे घर चले। अच्छा बता क्यों कर बताया करे, हम उड़ाली करेंगे। खड़ा हो झाड़ू उठा, झाड़ू लगा सारे में। अच्छा ठीक है लंबरदार, पर एक बात बताऊं गोड्डे घसवा दे या चौधर? मैं देख लूंगा सब गोड्डे कैसे घिसे हैं, तू अपने काम में लग। ठीक है भाई लाग गए। लोटे क्या तू गायों की सारी चीजड़ी छुटा दे चल। हाँ चल लग। सारी की सारी छुटा दूँ, एक भी नहीं छोड़ दूँ। जा जा लग। ओ जिंगे बहुत पहलवानी होली तेरी, लिकड़ बाहर को और उसके बलद के तेल लगा सिंगों पे। हम तो लगा ही देंगे भाई, तेरे सिंग पे भी लगा देंगे। होकी मिस्त्री साहब तुझे दिखता ना यू अंजन धुआं दे रहा कई दिन तक, इसे खोल इसमें लग। जैसे तू कह रहा है ऐसा कर लेंगे। ए रपक मैं जा रहा हूँ रिश्तेदार को लेके खेत में को, तू दूध का काम निपटा सारा और फिर दही का डिब्बा लेके पूरा डिब्बा लेके आइए गिरडू की निया। चौधराट गिरडू के हाथ में अब। गुटका सा कितना बोल रहा, काम बता रहा। ए जीजे जो जो काम बताया सारा काम निपटा के चुपचाप खेत में को आ जाओ। और रिश्तेदार सबेरी तो लग रहा तू इनमें दो ढोबरों में है, हाँ यूठा भावला चल मेरी गैल खेत में को। किसी चक्कर में मत रहियो, चौधराहट अब गिरडू के हाथ में है, मलखे की चौधराहट गई। आ रिश्तेदार आ। यूसुफ देख रहा तू, यूसुफ गिरडू का ही करा हुआ है, यू ईख देख मैंने बोई है, यू ईख देख मैंने बोई है। अरे चौधरी तो गिरडू ही है, कोई बोल नहीं सकता अपने सामी, कोई बोल जा तो धरती में गाड़ दूं मैं। असली चौधरी तो गिरडू ही है, यू मलखा तो नू ही बना रखा हमने, चौधराहट तो मेरे में ही है। अरे रिश्तेदार मेरे पेट में गड़बड़ सी हो रही है कुछ, यहाँ पानी भी भर रहा, मैं थोड़ा हल्का सा होया हूँ। हाँ जी हाँ ये मत कहीं यहीं खड़ा रहिए। हाँ है इतना सुहाना चांस है। आहा, बहुत बढ़िया जगह है ये, मजा आ गया। देखिए अभी तो जी में जी आया। अरे रिश्तेदार
अरे कहाँ जा बड़ा, गिरडू के चौधरी बनतोई और सबके छेरे लग गए। अरे कहाँ जा बड़ा, अरे बोलना रहा, दिखे पानी नूंगे भरा खाल में, कदी यहीं के चक्कर में रहे बस। अरे लिकड़िया बहुत देर हो लिया, अब तो मैं भी आ लिया पर तेरा पता नहीं चल रहा, जल्दी आ, फिर चलना है। ए भाई अभी तक तू यहीं खड़ा? हाँ वो रिश्तेदार गया हाथ धोने को, बस अब आ जा, पहले मेरा पेट खराब हो गया था, मैं गया तो सही छोड़ गया था। ओ गिरड़ देखी उपेड़ा फाड़ा, वो कहीं हाथ धोने ना गया, परते चौधर तो हाथ धो। अरे नहीं गड़बड़ होगी, पर ऐसा कैसा होगा? गड़बड़ कुछ नहीं, तन्ने भगाया वो। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो लिया, तू नराब चौधरी, लिकड़ गई तेरी चौधर, एक ही दिन में हग्गा भाई तू तो। मन तो कर रहा था तड़की तरह पान चाड़ दूं जमा के। दही मांग रहा था तड़की तड़क, धरती पर पाना टिक रहे थे इसके। अजी तेल लगवा रहा था चुटकी बजा बजा के मेरे पे उनके सिंगों पे। अरे उंगली पे घुमा रहा था, अब देख कैसे खज्जी सी काट रहा। तड़की चौधरी बनाया, भाइयों को भूल गया, उसे लेकर लिकड़ा। अरे चौके बासण मांज रहा था वो घर बैठा हुआ। ओ भाई सुनो, इसके बस की नहीं कुछ भी, इसे हटाओ चौधरी पत्ते। है? ओए, फिर के तू बनना चाह रहा है? इसे कसम लौटेगी, इसे मैं नहीं बनूं। तू अपने चक्कर में लग रहा होगा, तुझे मैं नहीं बनूं। ओ लंबे बाल, तू क्या सोच रहा, तू बन जाएगा, तुझे मैं नहीं बनूं, कसम लौटेगी। अरे एक बात सुन लो मेरी, जीभ थारी पार नहीं पड़ रही, सांझ लो के नाम की तो बना लो बर्फी को, फिर सांझ को बैठ कर आराम से सोच लेंगे, आगे उसे बना लेंगे। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही बात। अरे नहीं ओ गिरडे, ले चद्दर, अरे चद्दर छीन ली, चद्दर छीन ली, छीन ली। घना सुरता बंदा, कितनी बदबू मार रही। ए मलखे तू कैसे झेल रहा था इस चद्दर को? चद्दर नुई ना चलती, बहुत सिडांत खेनी पड़े, तुम नुई मान रे, इसे देख ले कैबिनेट रखी इसने। ऐसा है अब टाइम खराब मत करो, आज खेत में ज्यादा काम ना है। हॉकी तू, तू जा पथवारे पे जा और गोसे ठाके ला, और झिंगे तू, तू जाके आलू का कट्टा ठाके ला, और मलखे तू, हाँ। तू चून का कट्टा ठाके ला, और गिरडू और लोट्टा मेरी गैल चलो। चौधरी के हाथ में अच्छी लगे यू, चल। बढ़िया भाई, यू ठीक रहा मामला। बर्फी जी, तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया? हाँ तुझे बर्फी भी खिलाऊंगी, चल ससुराल। अजी मैं तो उस दिन ते ससुराल में ना हूँ, पर छोड़ दो तो सही, मैं के कहीं भाग गया जा रहा हूँ के? नहीं नहीं तुझे भगाऊंगी, बहुत दिन से भागने की कोशिश कर रहा है तू। अजी मुझे पता था आरते बच के कोई भाग सके के? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जानता है ना तू? अजी कानून ते तो कोई भी भाग जावे, पर थार ते भागना मुश्किल है, जो थारी गिरफ्त में आ गया वो नहीं भाग सकता। चल बताऊंगी तुझे, थाने चल। समझता क्या है तू है, कि तू भागता रहेगा भेस बदल के और हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे। देख आज तू हमारे हाथ में है। यू कब में ना आवे, यू तो मैडम की बर्फी बता रहा। चल चल, डर क्यों रहे हो तुम लोग, करो इसे अंदर। अजी बर्फी जी मेरी बात तो सुनो, सुनो सुनो तो सही, अरे एक बार तो सुनो। जी चौधरी साहब, पकड़ी से। जैसे मलखा बैठ के गन्ना चूसा कह रहा था, आज मैं गन्ना चूसूंगी। ओए हाँ जी, तुम दोनों काम करो, मैं आ रही हूँ अभी। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं रीली हे बनी चौधरन।
चल। मेरे सिपाहियों आ जाओ, पकड़ा गया जिसकी तलाश थी। बड़े इसे कहे चौधरी, दो मिनट में दाब लिया तन्ने भगाया दिया था यो। अरे तू चुप मारे, इसे तो मैं आज बताऊंगा कैसे भागे करे। पर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? यू बड़ा तो था उस ईख में और लिकड़ रहा इस ईख में ते। साले ने कहीं सुरंग तो नहीं खोद रखी? सारी देखो आ जान दे तू इसे। मैडम आपने तो तरक्की होते और कमाल कर दिया है। इसमें पुलिस की कोई चाल लग रही है मुझे तो, जरूर चारों तरफ से पुलिस ने जंगल को घेर रखा है। देखता हूँ क्या माजरा है। देखो इसे, पट्टे बहरा, बेल बॉटम पहन रहा, जर्किन पहन रहा, हीरो बन रहा। आज भरेंगे इसका भूस। ले चलो चल। आगे को क्यों नहीं चलता तू? यहाँ पर बहुत तंग किया तूने, अब तेरी अकल मैं ठिकाने लगाऊंगी। बर्फी जी सुनो तो सही। हेलो, हाँ जी बर्फी जी। अरे भैया कोई है के यहाँ? अरे भाई खोल मत दियो कोई सा, अन्य तीनों के प्राण चले जाएंगे। अजी तुम तो मुझे सच्ची थाने में ले आए, पर खोल लो तो सही। अरे भाई यू तो बहुत बड़ा बदमाश लग रहा, मैडम को भी बर्फी बता रहा, हमें तो लड्डू मानने का। गाड़ी में तो मेरी तरफ लखा रहा था, मैंने तो अपनी नजर बचा ली। अरे यू मेरी तरफ भी देख रहा था, मैं तो भैया हाथ ढीला छोड़ दिया जिससे कि समझे मेरा कोई मैटर ना। अरे भाई मैं तो गाड़ी चला रहा था, और एक बात बताऊं, ना इसने मेरी तरफ को देखा ना मैंने इसकी तरफ को। इसने जो एक बार मेरी ओर को हाथ रखा मेरे कंधे पे, मेरे तो हाथ पैर सूजे। खुसर-फुसर हो रही है भैया, गेट तो खोल लो मुझे एक बार, बर्फी से बात तो करन दो। भाई हमें बर्फी के लड्डू, बर्फी खोल सके हम कुछ नहीं कर सकते, हम आग बंद कर खड़े, ना हम कुछ सुने ना कुछ कहे। मैं और सुनो रे। हाँ। मैं छत पे जा रही हूँ, मेरे लगते सूखन लग रहे हैं, लेके आ रही हूँ। माही जैसा तू सोच रहा था ये ऐसा कोई मामला नहीं है, ये मामला कुछ और है। चलो देखता हूँ क्या बात है। यही खड़ा है बलो। अच्छा वहां फेंक रहा, फेंक दिखा रहा मैं, सिर में ईंट मार दूंगा तेरे कसम लोटे की। लोटा मांझ दिया। मार दिया रे, मार दिया। पूछ दिया गुरुडू, मैं तोड़ूंगा तेरी खाल। साले कमजोरों को मार रहा, मैं झांकूंगा तुझे।
हे भगवान, तू मेरी गैल के कर रहा है। मैं आसमान में तो गिरा तो खजूर पैट क्या, साढ़े चारों ओर ततैये ततैये हो रहे हैं। वहाँ खेती कर रहे थे, यहाँ थाना खोलू बैठे हैं। हे भगवान, कैसे होगी अब। अरे भैया मेरी बात सुन रहे हो के? अरे भैया, मैं यहाँ किसी ने देख लिया तो मेरा तो मरना हो जाएगा। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं रात को नहीं रुकूंगा यहाँ। अरे यार, यू हमें सब मारेगा। अरे यार, मुश्किल से तो मत्ते भाग गया था, अब इन्होंने कब जा लिया, अब आगे पता नहीं क्या होगी। अरे भाई ठीक कह रहा है, रात को मरना हो जाएगा। हे भगवान, किसी ढाल आज बचा ले, मैं तो ड्यूटी खत्म होते ही निकल लूंगा। जब तक यू थाने में है, मैं थाने में नहीं आऊंगा। अरे यू थाने में रहना अपनी बेइज्जती समझ रहा, यू बदला जरूर लेगा हमसे। अरे भैया, मैं मास्टर आदमी हूँ, मेरे से बात करो। अजी मास्टर माइंड बता रहा अपने आप को। अरे कहाँ है थारी मैडम, उसे बुलाओ तो। कहाँ है बर्फी, कहाँ गई? भैया मैं हूँ बीवी बच्चे वाला आदमी, मैं तो करी छुट्टी लेकर चला जाऊंगा। हम भी तो बीवी बच्चे वाले हैं, मैं क्या सुअर पाल रहा हूँ। मैडम तो छोड़ के भाग गई, इसे हमारे सिर फंसा गई, जान बचा लो। अरे भाई, यू सब होया के है? अरे बड़े जमा जमा के मारे हैं, शरीर तोड़ कर रख दिया पापी ने, और इन चौधरियों को तो घना ही छेदता। अरे नूना है, मेरे से पहले तो लोटा मारा कई बार दीवार में देखे, जब यूं मुंह फाड़गा ना, मेरा नंबर तो जब आया। तू मेरी छोड़, तेरी तो कुकड़ी सी तोड़ दी थी उनने, एक हाथ ते ही पकड़ के ठा दिया था कसम लोटे की। अरे झिंगे, वो तो बापू तड़की सांझ तेरे सिर चढ़ रहा है, मारे पे खड़ा बज रहा था, तू तो कहीं दिखा भी नहीं। अरे इसका तो चरखा सा तोड़ दिया, दे दे के मारा। तम ना मेरे गुणगान छोड़ो, अपनी बताओ थारी गैल के होया। अरे मेरी कोई ऐसी बात ना है, यू शुक्र मनाओ ये मलखे के फिल्टर ना फटे, ना तो यू गया था हमारे हाथों ते। पटे तो ना, पर मजनु लगे प्लेट के दिखे, सांस एक साथ नहीं आ रही मजे बिल्कुल भी। ए रप्पक, तू कैसे खाट में देकर मारी उसने? अरे मन ने उसे मारी जमा के लात, फिर मैं थप्पड़ मारू थी तो हाथ पकड़ लिया उसने मेरा बस। फिर तेरी थूथड़ी दे दी खाट में। अरे यार एक बात तो बताओ, मेरी समझ में नूनी आ रहा, उसमें इतनी ताकत आई कहाँ थे? अरे इसने भांग वांग खाई है। अरे भांग से ना होता कुछ भी, मैं तड़की से शाम तक पीता ना हूँ, इसने खाया गांजा। अरे सुनो, उसने जंगल में जाकर जड़ी बूटी खाई है, ना तो हमें देख के तो उसका पेशाब निकल गया, अब उसे हम देख ले तो हमारा पेशाब निकले। अरे मैं सही बता रहा हूँ, मेरे सिर से बापू गया, उसके सिरान लगा, उसमें ताकत मेरे जितनी हो रही इस टाइम। अरे तू रहने दे इन बातों को, अकेले अकेले तो पीट लियो ना हमें, एक काम करो सारे मिलके उसे ढालो। ठीक कह रहे हैं लोटा। अरे वो सब तो ठीक है, पर तम उसे लोगे कद? आज लेंगे, आज कर दो सबरी का स्ट्राइक। मेरे धोरे तो कुछ ऐसा है भी ना जो उस नास पिटे की रोटियों में मिला दूं। ए तू रहने दे मिलान को, ऐसा ही है, मैं ही खुआ देगा, सारे ततैयों के पांव पर को हो जाएंगे बस। मेरा तो शरीर बहुत दुख रहा है, चाय बना लूं? चाय छोड़, गर्म पानी ला करके सारी गांठ सेक लेंगे। अरे गर्म पानी छोड़ दो, आयो डैक्स ले आओ कोई जाके, अब तो सब कुछ आ। मेरी मानो तो मुझे तो कर दो अस्पताल में भर्ती, मैं ही ठीक रहूंगा, मैं यहाँ से तो बचूंगा। मारा कैसे? हाँ भाई, क्या बात? कोई बात ना जी, हम तो देखने ना आए। अजी हम तो सोच रहे जीजा जी को कोई दिक्कत ना पड़े। अरे मैं तो थारा पानी चेक करना आया था, रखा नहीं रखा कसम लोटे की। हाँ जी, मैं तो सोच रहा था थारी करवट में लाठी रख दूं, सांप सूप मारन के काम आ जा। हम तो नू चाहे बस हमारे मेहमान को कोई दिक्कत ना हो, हमारी चाहत बस इतनी सी है। सो जाओ। चलो भाई, भाई साहब ने कह दिया, अब सो जाओ। हाँ चलो, यहाँ कोई दिक्कत ना आनी अब। सो भाई, सो 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 सो। अरे की रहा? भाई साहब कह रहे हैं सो जाओ। सो जाओ? अरे सो जाओ, मेरी माँ हमें मरवाओगी दिखाया। सो जाया कर रहे हैं लल्ली, रात को समझे कर रहे हैं बात को।
चाय पीवेगा? चाय पी लेगा कोई थारे हाथ की? घड़ा ना बोले। घड़ा बोलना बता रही है, देखिए ये कप पड़े हैं, ये बासन पड़े हैं, न्यू धोए ना धुआए, ये के भंड खराब बा हो रहा है, चून देख इसमें प्रांत में, नहा धोते न मुंह धोते, बना दो सामान, कौन खा लेगा थारे हाथ का, कुछ सफाई रखे करो। यू घड़ा चौधरी है के? मैं इसकी बात क्यों मानू, पर यू है टेढ़ा आदमी और उनमें ते कोई यहाँ है भी ना, इसकी बात मानने में भलाई है। जैसा यू कहे वैसा कर ले बर्फी, ना तो खामखा हाथ मुड़वाने में कोई फायदा ना है। हंसरिया जिंगे शर्म नहीं आती तो जय मेरे कितने लगते ब्यारा लग जाता कुत्ते की लड़ कर रहा था टे टे। मैं तो कमी पिटा हूँ, ये लोटा गिड्डू तो उल्टे टांग दिए छत पे से। अरे लोटे की तो जीभ सी लिकाट दी। हाँ लोटा तो टांग दिया था अंबर में, तम दोनों को तो खाट के नीचे बढ़ा दिया था उसने कसम लोटे की। अरे तमें लड़ना भा रहा है, यू सारे गांव में नाक कटन लग रही है, यू नहीं दिख रही तमें? तुझे नहीं दिख रहा नाक कट रही, यू नहीं देख रहा सारे अड़ंगे को ठिकान लगान लग रहा वो कसम लोटे की। ये तो हमें भी ठिकाने लगान के चक्कर में लग रहा। अरे कबूम तो अत्ता नहीं, इसका कुछ राह बैठा लो। तम मेरी तो सुनते नहीं, अपनी अपनी हक को जाओ। चल तू बता अपनी, तू के चावे? बता दे कौन सा मंत्र है तेरे धरो, उसे भी बता दे। अरे भैया उसने हम सारे अलग अलग ही तो पीट लिए, हम मिलकर हमला क्यों ना कर दें? तेरा बेटा जीता रहे भैया, बात कही जिंदगी ने। एक काम करो, सारे के सारे एक साथ ले लो उसे, वो हमारा पंचों का सामना नहीं करने का कसम लोटे की। अरे मैं भी तो यू ही बात रो रहा हूँ थारे आगे, वो हमारा सामना कर ही नहीं सकता। तुम सारे गेल रह करो, यू होक्की है ठाके पन्ना चल दे। अरे ये अंजन पंजन बाद में सुधरते रहेंगे, यू हम सुधरने लग रहे हैं, तुझे चोखा लग रहा के। अरे मेरी ताल चीना बैठी, किसी दिन इसके नट बोल्ट खोल कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा और तुम्हें जब पता चलेगा हुक्की मिस्त्री की चीज है। बस तो वह ठीक है, अब के हम इसी बात पर अमल करेंगे। ठीक है सब मिल के हमला करेंगे, रिश्तेदार का पत्ता साफ। चलो चाय तो बन गई। अरे सुनो चाय बन गई, आजा पी ले। देखिए सफाई होके अब भी तो ही कितना अच्छा लगा। तुझे ही तो यूं लग रहा, अभी मेरे भाई आते ही न्यू कहवेंगे कि कर दिया सारा अड़ंगा ठिकाने लगा दिया, मार दी सब में झाड़ू। किसे अड़ंगा मान रहे हैं वे, जो यहाँ गंदगी फैल रही थी उसे अड़ंगा मान रहे हैं के? अरे यही तो दिक्कत है उनकी, अकवे बेसुरे पणकू अनाड़ी पणकू तो अड़ंगा मान रहे हैं, गंदगी को अड़ंगा मान रहे हैं, और जो काम करने चाहिए वे उन्हें पता नहीं है। अब तेरे हाथ की चाय पी जा सके, लाते आज लच्छी इतनी मार दूंगा उसमें, कुछ तो सांस लेना भारी हो जाएगा। मलखे ततैया को मान ही ना रहा कुछ। लड़की के बादाम जोर मार रहे हैं, आज नहीं छोड़ दूं उसे। हाँ ऐसा कर लिए, आज उसके नट बोल्ट खोल नहीं है, नाश कर दूं आज उसका नाश। अरे वो मारे नाश ना कर दे बा भाई। चाय अच्छी बनाई है। चल आलिए सारे जानवर, कोई खाने कमाने का ढंग नहीं, कोई पीने का ढंग नहीं, जीना ही मरने जैसा कर रखा है साड़ों ने, सुधारने तो पड़ेंगे ये। देख चाहे चौधरी साहब की, इसकी साहबगिरी तो सारी लिकाट देंगे आज ततैया। अरे कोई बात ना, हम भी तो आज कसम खा कहा है। बस तब मुझे ना रोकियो, आज इसकी सारी तैसी खोल दूंगा मैं, अकल ठीक कर देंगे। मेरे भाई भी आ गए, अब पता चल जाएगा इसे, बड़ा सफाई कर्मचारी बन रहा था, अब कर देंगे इसे ठीक। मैं तो भित्तर को बढ़ जाऊं, पहले यू पिट लेगा ना तब आऊंगी। आहा इसे पिट लेने दो, फिर जाऊंगी आराम से बाहर। अरे बेकूफो इसे भित्तर ही लेके आओगे के परे खड़ी कर दे करो, उंगे खड़ी कर दे करो। तू घना लंबरदार बन रहा के, तू बता आगा के बुग्गी कहाँ खड़ी करनी है, हम अपने हिसाब से खड़ी करेंगे। हमारा घर, हम कहीं खड़ी करें तू धार ले। ततैयाओं के घर में बैठकर ज्यादा बोल रहा है, तुम्हें सुना ना के मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ वही आके सुनिए, बताइए कहोगी बुग्गी के लिए। इसकी दो मिनट ले लो ट्राले को।
छोड़ के रुआ दी। भाई साहब का मूड खराब है, तू इसे वही वाला गाना सुना। वो वाला? वही वाला। पम पम पू पू डम डम डू डू झम झम झू झू झम। पम पम पू पू डम डम डू डू झम झम झू झू झम। पम पम पू पू डम डम डू डू झम झम झू। मारो भाई साहब, मारो भाई साहब, मारो। यो गाना आज के बाद कहीं काम मत दियो, समझ गए ना? कहीं यो गाना मैंने दोबारा सुन लिया, खाल तार लूंगा खाल। खड़े हो, यू कोई रहन सहन है थारा? तड़की उठ के चल दे ना, ये हटाते लत्ते ठाते नहीं हुई पड़े हैं। यहाँ ना झाड़ू लगाते ना मुंह धोते हैं, यहाँ बुग्गी चढ़ा दी ना झाड़ू नी, ये खड़े हैं नहीं हुई ढंगर सारे, ना ही ना नहाते ना धोते ना खुद नहाते। साले पता नहीं कै दिन हो गए नहाऊ, मैल चढ़ रहा, बदबू आ रही है, इन्हें ठाओ पहले। चलो ओए कर ले, ये तो सफाई मशीन है, मतलब इनको बाहर से दिख रहा है। अरे ठीक से साफ कर दे। साड़ो लेलीदार, रोज तो मेरे पे पानी बजाओ थे, आज फंसे तुम। बेटा साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहा होगा दूसरों को भी अच्छा लगेगा देखने में, और साफ सुथरा घर भी रहना चाहिए। साफ सुथरा रहा होगा तो दूसरों को घर भी अच्छा लगेगा। साफ सुथरे घर में ना बीमारी आवेगी, ना मक्खी, ना मच्छर आवेंगे। भाई ततयू का आगे बुरे दिन, और यू सारा नतीजा बर्फी को चौधरी बनाने का है। उन दोनों का हो लिया गठबंधन? अरे जब यू हमें पिट्टर लग रहा था ना, तो बर्फी बिल्कुल नहीं बोल ली। यो सारा नाश मलखे का करवाया गया, इसने उसे चौधरी बना दिया। अरे ना वो चौधरी बनती, ना हमारी हड्डी टूटे थी, सारी काया से और गए, इतने झांग दिए उसने। अरे तमनू देखो पहले, इनकी कोई मिली भगत तो नहीं है? अरे कुछ मिली भगत ना, इसका इलाज करो ना तो पानी सिर पे ना गया। और दिखे वार होना चाह जड़ पे। अरे फिर वह जड़ बतावे ना कौन सी, उसे यू झिंगा काट गई कहीं के नाम का। अरे वो जड़ झिंगे तो नहीं कटनी, उसे काट सके फुप्पा। कह तो तू सही रहा भाई, फुप्पा तो इसके पंख से फाड़ देगा। पर एक बात की दिक्कत है यार, फुप्पा ने अगर यो निरोल मार दिया तो इसके मर्डर का केस हम पे ना लग जाएगा भाई। अरे मरे तो मर जान दे, उस बात को तो फुप्पा देखेगा ना। फुप्पा दिन रात यही काम ना करता के। किरडू सही कह रहा, इसकी बात को मान लो, फुप्पा तो इसको खा जाएगा। खाना खिलाया उसे? हम ना जाने के जी उसे खाने देने, हमें तो डर लगे जी उससे। क्या बकते हो, पुलिस वाले होकर एक गुंडे से डरते हो? अजी मैडम आपको बर्फी मान रहा तो हमें क्या मानेगा? जाओ जाके खाना लेके आओ, मैं देखती हूँ कैसे नहीं खाता है। नॉनसेंस। अच्छा तो तू सबको डराता है? अजी मैं किसे डरा रहा हूँ, मैं तो खुद डराया हुआ हूँ। तुम उन्हें तो पकड़ना रहे जिन्होंने मेरे पे अत्याचार करे, मुझे पकड़ लाए। बस बंद कर, कानून अपने तरीके से काम करता है। अजी कानून की बात ठीक है, पर ऐसा कौन हो गया जिसने मेरी शिकायत कर दी? मेरा तो रिकॉर्ड ही ऐसा नहीं, कोई मेरी शिकायत कर सके। तेरा रिकॉर्ड? हाँ जी। तेरे रिकॉर्ड के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, कोई तेरी शिकायत तक नहीं करना चाहता,
तेरे खिलाफ कोई गवाही तक नहीं देना चाहता। फिलहाल तू ये खाना पकड़ और खाना खा। हाँ जी खाना तो खाना ही पड़ेगा, बहुत भूख लग रही है। पर सुनो, तुम मेरे बारे में नहीं जानती, मैं समझाता हूँ तुम्हें। मैं तेरे बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, खाना खा चुपचाप। अजी सुनो तो सही। चुप, तेरी सुनने के लिए तो तुझे हिलाया गया है, खाना खा। पता नहीं मेरी सुनने के लिए लाया गया, यार मेरी नहीं सुन रहे, पता नहीं कब सुनेंगे मेरी। चल बेटे पूर्ण, खाना ही खा ले पहले, फिर देखेंगे। अरे मेरा तो चित्त भी ठिकाने ना है और काम में तो कते जीना लग रहा है। काम का तो आई नस नस चीजरी नस नस ही में मेरा बैरी ने सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। रहेगा पे भी मारे। वैसे तेरे ज्यादा जोर की मार था भाई, लंबे बाल। हाँ बिना होट के मेरा बहुत जोर था मारे। कहीं बार लो बजाया उसने गिर के भाई। वैसे एक बार बताऊं, आज तो तेरी बतख बज रही थी। ठीक कह रहा तू, मेरा तो मुर्गा ही बना दिया उसने। कीड़े बहुत लंबे लंबे पड़ेंगे उसके भाई साहब, देख लियो तब कसा। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, परेशानी दूर होली फुप्पा आ लिया कूद गया भाई। हुक्की एक बात बता दे, बंदूक हाथ में थी फुप्पा के कंधे पे थी। हाथ में ही खड़े हो लो, फला दिया फुप्पा ने। तो अरे कोई सा मुझे बिठा दियो, मेरे पे ना खड़ा होया जावे आराम से। मलखे ए चला जाता। आज बता देगा फूफा इसको। ओ सिगरेट, पूरे गांव कुहांड में कोई भी हुक्म सिंह के सामने हुक्के में घूंट नहीं मार सकता, और तू सिगरेट पी रहा है, भूल गया मुझे? हुक्म सिंह वो चीज है पेड़ पे उल्टा लटका के मारता हूं मैं। हाँ? मर जाऊंगा, छोड़ दे मेरे धोरे मत आ, मुझे पकड़ दे। हे भगवान, इसने मुझे देख लिया ना तो मुझे भी पिटेगा, मैं तो छुप जाऊं। तेरा हाथ जोड़ू। दादागिरी काट दी और कसम लौटे की फुप्पा ने भी मेरी सुन ली। मेरी आत्माओं का श्राप भुगत लिया। बर्फी कामरी की क्वाड भी ना खोलना आ रही, मारा स्वागत तो करती। फुप्पा इसका काट देगा। दम भरो। देख कैसा सुखा रखा फुप्पा ने, एक एक बात का बदला लिया है। लत्ते वहाँ सुखा रखे, यूं यहाँ सुखा रखा है। फुप्पा मेरे दर्द को समझे। अब कर रहे हूँ, सबसे शेर बनना था। ये बाया उठ पाया। फुप्पा कहाँ है? फुप्पा निकल गया। अरे है तो जिंदा है, सांस आ रहे हैं, पागल है क्या?
देखियो दबा खाती सी बहुत मारा हूं बहुत मारा हूं भाई सभी जी बक्से उठा दो ऐसे बोल दिया दिखे जिंदा छोड़ दिया पापा जी का क्या हो गया मुझे फोड़ दिया रे बहुत मारा हूं रे बचा बचा लो रे बचा लो मैं तो मर गया फोड़ दिया तेरे से फोड़ दिया रे या तो तू हंसी ले बताई ले बता रही हो थम जाओ पर मैं बताऊ कैसे मेरी तो हंसी ना रुक रही ऐसा क्या हो गया कुछ तो बोल पहले तो फूफा गब्बर की ढाल न्यू घूमते रहा हाँ मैं सोची फूफा आज इसे पिटेगा फिर फूफा ने उसे दिखाई बंदूक है बंदूक दिखा दी उसके बाद फूफा ने वो धमकाया अगर तो बता बता रही हूँ थम तो जा फिर के था उसने फूफा की बंदूक पकड़ी और फूफा दे मारा धरती पे और मारे फूफा की तो चील सी फैल गई फिर फूफा के पिछवाड़े मारे दो लाख और सुन सुन फूफा के पिछवाड़े में दे दो लात मार के फूफा को जिक्के घुमाया फिर पप्पा को पकड़ के ते मारा दीवार पे पप्पा की फुटबॉल सी बढ़ा दी मैं क्या करती मुझे कुछ समझ ना आ रहा था दुख भी हो रहा था मारा पप्पा कूट रहा था पर मेरी तो हंसी ना रुक रही थी और पप्पा की धोती न्यू भर भर वो मेरी हंसी ना रुक रही एक पैर तो उसने फूफा को देख खोर में पटका और मार दिया और फूफा ने पटक पटक के पटक पटक के हाथ तोड़ा मारा फूफा ओ उसने मारे फूफा को पेड़ पे टांग दिया हाँ और पेड़ पे उल्टा करके जो फूफा पे बैठ मैं भी डर गई थी सच्ची में मैं डर गई थी अरे अरे फूफी अच्छा वो पहली मर गई अन्य बात तो देख कर फिर खुदकुशी कर लेती हम रह गए मजा लेने से पता नहीं क्यों यो दिव्य दृश्य हमें नहीं दिखाई दिया ढाल गिरडू पीछे से गिर के ढाल बता रहा ना मेरी ढाल नहीं ऐसे तोड़ा जैसा झींगा मेरी ढाल नहीं टूटा ऐसे टूटा जैसे लोहा टूटा अरे तब तेरी ढाल ही तोड़ा इसकी ढाल तोड़ा वैसे एक बार बताओ भाई टूटा तो मम्मी पर ऐसे नहीं टूटा जैसा पोपा हमें यकीन नहीं था हमें यकीन नहीं था कोई पुप्पा के भी घुस पा सके अरे अरे सुनो बाकी कराने की आवाज आ रही है प्रबंधन ले मजा आया क्या अरे कोई गर्म पानी ले आओ रे कहाँ मर गए बल्कि अरे कुछ मांग रहा थी क्या पुप्पा गर्म पानी मांग रहा पर देगा कौन था जाके सुन तो उसे तो हम दे देंगे फिर हम गर्म पानी तोड़ देंगे पुप्पा का तो नासी हो गया दिख के कब से कर रहे हो ये काम जी 3 साल हो गए कहाँ तक तारे तुम्हारे मैं जी यूपी हरियाणा और दिल्ली राजस्थान लो गया हूँ वैसे मैंने पंजाब और बिहार लो भी हाथ मारा है अच्छा हाँ जी तुम्हारी पहुँच तो कई राज्यों में है
अजी पहुँच वहुँच तुम्हारी कुछ ना है, पर आदमी जब मन में काम करने की ठाने तो कहीं भी जा सके, तो मैं भी गया हूँ। क्यों करते हो ये काम? ये तो जी हालात ही ऐसे बन गए, बस मजबूरी में करना ही पड़ रहा है। कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? मेरे साथ 5-6 लोग तो हैं जी, साथ होंगे। अच्छा, कौन कौन? एक तो चाचा का ही है दीपक, मामा का भी आ जा कभी कभी, और आस पास के ही है जी। पूरा गैंग है? जब सब गैल चले जी गैंग सही हो जा। कई बार तो गांव वाले कहवे गैंग आज किंगे को, पर हम ध्यान ना देते हैं, हम अपने काम में ध्यान रखे हैं जी। पूरे पानी में हो? अजी पानी वानी में कुछ ना, तुम न्यू बताओ, अब तुम यहाँ तक कद रिहा कर रहे हो या मुझे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा? तुम्हारी रिहाई का ही इंतजाम कर रहे हैं, बहुत जल्द रिहा कर दिए जाओगे। हाँ जी बस जल्दी रिहा करवा दो, मैं तो खामा खा फंस रहा हूँ, मैं कोई जेल में रहने का हूँ के। लोटे सड़ा दिया। यार क्या है, 100 मिल देते नींद खुलवा दी है। बंदूक ये है, खड़ा हो। ओ की ओ झिंगे, अरे क्या आपत है, क्या आपत है, क्या हो गया? अरे हो गया क्या, देख पुप्पा जी है, पुप्पा को मैं देव ले। अरे मुत्तन मातन गया होगा कहीं। अरे हाँ पुप्पा, मुत्तन भी जा, बंदूक लेके जा, देश बैठक रही पुप्पा ने ढूंढ लो। कहाँ ढूंढ ले, कटवा दी तुमने पुप्पा की जड़। अरे मुझे नू लग रहा यू अब एक कक करके हमें समय मारेगा, पता नहीं अब के कौन से का नंबर है। तेरा नंबर है? मेरा नंबर है? मेरा नंबर क्यों होता, बड़ा चौधरी यू है, पहले इसका नंबर आवेगा। यह जरूरी ना बड़े चौधरी का नंबर आवे, थारे मत भी आ सके कोई से का। अरे चुप हो जाओ, उसने सुन ली ना, सबको अभी निपटा देगा एक ही गैल। चुप लोट लो, जाओ चुप, चलो चलो सो जाओ भाई, अपनी जान बचाओ। ए भगवान, इसे सो जाओ, सो जाओ, गुड नाइट। आज रात इसका एनकाउंटर करना है, सारी तैयारियां कर लो। जी मैडम। फंस गए यार। इस मैडम ने और नया काम जोड़ दिया, ये गोली हमसे लगवाएगी। अरे ना मुझसे कहेगी गोली मार, और मुझसे किसी को गोली लगती ना। मैं भी किसी को मरते नहीं देख सकता, मैं तो पहले ही बीपी का मरीज हूँ यार। एक आध गोली फालतू ले चलियो, मुझे भी जरूरत पड़ सके। लोटे के बता, ठीक है ठीक है, चल चुप। जान बची सो लाखों पाए लौट के बुद्धू, हैं तुम भी आ लिए? हम भी यहां आ गए। आप तो चल गए, मजे सोच रहे मरवाना मलखे, किले का सोना ठीक ना यहां। भाई यहीं आना जरूरी, अरे मलखा भी आ लिया। बक्की बात होगी, भाई ओसी लग रही वहां तो।
हाँ तेरे आज ही होश लग रही है, वहाँ रोज ना सोया तू? तेरे पे क्या जोर पड़ेगा, तू सो जाता? मैं तो नू ना सोया, कोई चिड़िया बीट कर जाती मेरे ऊपर तो? ओह रात को चिड़िया होगी बीट करन, तुझे ढूंढेगी तेरे सिर पे हगेगी कसम लौटेगी। ए भाई तुझे क्या दिक्कत थी? अरे मेरा तो चोंद मारा है, आंखें चुंदिया जा मेरी। तेरे ही मारे है चोंद, दिन में तो सूरज को देखे ही, क्या क्या गारी करके रात को तेरा चोंद लग रही। तड़की तड़की मारे है। हाँ सूरज तेरी रजाई में ना आके लिकड़ता। ओ भाई मेरी खाट करवा लो बीच में। क्यों क्यों, एक लात ही डाल की लग रही बस, मजे ही पता। और जो तुम्हें भाई चाहता हूँ ना, अत मेरी खाट करवा दो बीच में, नहीं तो दूसरी लात मेरे पे तो खे नहीं जा। चल ठीक है मलके, तू यहाँ सो, चल हम लौटेंगे होंगे। एक बात और रह रहे, जागते से रहियो, ठा दियो मजे भी कोई ऐसी बात हो तो। आओ एक कर कर लिए। ए नीचे उतर। यहाँ बियाबान जंगल में, यहाँ क्यों जी? नीचे उतर फिर बताती हूँ। अजी हाँ मैं बिल्कुल भी ना उतरूं। कैसे नहीं उतरेगा, उतारो इसे नीचे। अजी हाँ ना उतरूं मैं बिल्कुल भी। हाँ सुना नहीं तूने, नीचे उतर और जा यहाँ से। जाओ मतलब? मतलब क्या होता है, तुम्हें रिहा कर दिया गया है और अब तुम जा सकते हो। अजी मैं, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगा है, मैं अंधेरे में ना जाऊं, कोई चोर समझ के छेद दे होगा, कुत्ते फाड़ लेंगे। मैं इस टाइम घर पहुंचूंगा तो बापू 100 गाली देगा मुझे, जूते मारेगा मेरे। ये नाटक किसी और के सामने करना, कविता सिंह के सामने तेरा ये नाटक बिल्कुल नहीं चलेगा, उतर और जाए ऐसे। अजी मैं अंधेरे में बिल्कुल भी ना जाऊं, तड़की चला जाऊंगा, चाहे तब मुझे छोड़ने भी मत जाइयो, बस तड़की लिगड़ जाऊंगा मैं। चुप, बिल्कुल उतारे से नीचे, उतारो इसे जल्दी। डेल्टा वन, डेल्टा वन, डेल्टा वन हंटर वन श्यामपुर गांव से सरिया मार्ग की सूचना जल्दी करें। डेल्टा वन हंटर वन श्यामपुर गांव से सरिया मार्ग की सूचना जल्दी करें। जी सर जी। मैडम थाने से सूचना आई है, श्यामपुर गांव में चोर सरिया मार्ग घुस गए हैं। अच्छा हम पहले सीधे चौकी चलेंगे, इसको वहाँ उतार के श्यामपुर के लिए निकलेंगे, इसको देखेंगे बाद में। शिवा तुम गाड़ी चलाओ पहले। इस केस का क्या हुआ? मैडम ये आपस में घरेलू मारपीट का केस था, इसे आपस में समझौता करा दिया। ओके। अजी मैडम जी अब छोड़ दो, फिर तुम रात को लेके चलो। चुप रहेगा ये अभी मरेगा। नहीं जी मैं क्यों मरूंगा। चुपचाप बैठ नहीं तो तेरी जीप खींच लूंगी। अजी तुम वहीं बैठी बैठी बात करती रहोगी, एक बार यहाँ तो आओ या इसे खुलवाओ, मैं वहाँ आ रहा हूँ जब बात करेंगे। चुप, रात को बात करूंगी। अजी तुम सारे काम रात को ही क्यों करो, एक आध काम दिन में भी कर ले करो। बोला ना चुप, बोला ना नाइट में। अरे ओ सासल। हाँ आजा रोटी बनगी खा ले। सिक्की की गई? हाँ ले पकड़ा, मेरी तो एक बारी दर्दी है, 4-5 ले पकड़ा। 4 रोटी बन तो जान दो। कमजोरी सी हो रही है। जानवरों क्या है ये, नीचे रखी से, ये कोई खाने का तरीका है? आके टूट पड़े खाने पे, ये ऐसे देखो कैसे खाना बना रही है। वो लेकर आ कुछ बिछाने का, यहाँ बैठो आराम से मैं खिलाऊंगा। यहाँ रखो इस पे, यहाँ रख, इसे रख, बिछाने का लेके आया, यहाँ बिछा। पिट सके हम सही से बिछा इसे। ओए ओए पकड़ ले, पकड़ के तय कर इसकी, तय करो। हाँ धर दे, पिटवावेगा के बैठो इस पे। अरे लाइन से बैठो, लाइन से। अरे प्रे भले थोड़ा सा
बैठना भी नहीं आता, बना रोटी में खिलाऊंगा इन्हें। अजी तुम तो फिर यहाँ बियाबान जंगल में ले आए, मैंने थार ते कल भी बताई थी मुझे अंधेरे ते डर लगे, तुम मुझे यहाँ मत तारो। ए चुप कर और उतर नीचे। अरे यार तमी मैडम को कुछ समझा दो। मैडम तुम मुझे यहाँ लेके आयो, जितना टाइम यहाँ लाने में लगा तुम मेरे गांव में भी तो छोड़ के आ सको तो इतनी देर में। मैं यहाँ किसी कीमत पे नहीं उतरूं। तू क्या, तेरे तो फरिश्ते भी उतरेंगे। मैडम मैं कल पूरे दिन समझाता रहा मुझे छोड़ दो, जब तो तुमने मेरी सुनी भी नहीं, और अब यहाँ मैं कहाँ जाऊँगा। तुझे जहाँ जाना है तुझे वहीं तो भेज रहे हैं, तुझे बात समझ में नहीं आती, उतर नीचे। मैं यहाँ जंगल में नहीं उतरूं जी, अंधेरे में बिल्कुल भी। ये ऐसे नहीं मानेगा, चलो रे नीचे उतरो और इसे बैठे रहने दो गाड़ी में, हम गाड़ी को पलटेंगे या फिर गाड़ी में आग लगाएंगे, उतरो। हैं? योगी राज है, गाड़ी पलट भी सके। अरे सुनो, ओ सुनो तो सही, अरे सुनो ओ मैडम, ओ भैया, ओ सुनो तो सही यार। ओ अरे मार दे रे, मार दे रे। तुम नहीं बताओ भाई तुम्हें की मिल रहा है इस काम में। अरे यार सरकार पढ़ाई लिखाई पे इतना जोर दे रही है, पढ़ो लिखो कुछ कैरियर बनाओ अपना, अपना कुछ काम करो, इस काम में के है, आज निकल मारे जाओगे, पुलिस पकड़ लेगी, जेल में पड़े रहोगे, बताओ के होगा। हैं कौन से काम के हो तुम? हम जमालपुर के हैं जी। अरे यार जमालपुर इतना अच्छा गांव है, तुम इतने अच्छे अच्छे घरों के लड़के हो, क्यों अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर रहे हो? जाओ भैया कुछ काम करो, अच्छा नाम करो, ठीक है ना? अपनी अपनी माँ की कसम खाओ आज के बाद ये काम नहीं करोगे। खाओ न तो मार दूंगा एक किक्कू। हम अपने माँ बाप की कसम खाते हैं आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया मेरे भाई, तुम चले जाओ और आज के बाद ये ऐसा काम मत करियो, जाओ 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 जाओ। हाँ ये तो बढ़िया बात कर रहा है, और हम इसे बदमाश समझ रहे थे। मैडम जी तुम ठीक हो? मेरे हाथ में थोड़ा चोट लगी है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात, आप उठो और ये अपनी पिस्तौल पकड़ो, आप उठो चलो। आज का पूरा वाक्या देखकर और आपकी बात सुनकर मैं समझ गई हूँ कि आप बदमाश नहीं हो। बदमाश? अजी मैं बदमाश काहे की नहीं होता, मैं तो मास्टर हूँ। मास्टर? हाँ जी मैं तो मास्टर सिलेक्ट होया हूँ अभी, और जॉइनिंग की नजाल लग रहा था। ओह तो आपका नाम महिपाल नहीं है? ना जी मेरा नाम महिपाल काहे की नहीं होता, मेरा नाम तो पूरनमल है। पूरनमल? हाँ जी हाँ जी। ओके अच्छा, आप अपने बारे में मुझे स्टार्टिंग से बताइए, आपके साथ क्या क्या हुआ? अजी मैं तो मास्टर सिलेक्ट होया और अपने कागज पत्तर बैग में धर के घर से बड़ी खुशी के साथ लिख रहा था एक नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। हे भगवान आज मेरे हाथों ये क्या गुनाह हो जाता, एक बेगुनाह इंसान मेरे हाथों मारा जाता। एक बात तो बताओ, इसने उस दिन हमारा गाना क्यों ना सुना? अरे हमारा गाना हर किसी की समझ में आ सके क्या? तो ये हम कसम लौटेगी। अरे जो इसकी समझ में वो गाना आ जाता तो ये तो मर गया नाचता। हाँ। अरे फिर के देख लेंगे पूछ के, या कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ऐसा कर लेंगे। तू जा लिया ऊपर। ओ भाई जान दे तुम अपनी सोचो। देखा भैयाओं को तो भूल गई और इसे लग रही दूध पियान, इसे पहलवान बना के छोड़ेगी ना। इसे दूध पिलावे और यो कुट्टे भी हमें ही है, हम तो नाम के ही पहलवान रह गए भाई। ए बर्फी एक आध घूंट दूध हमें भी मिलेगा के? अब ना बच रहा दूध एक टोपा भी, एक गिलास था मैं उस मास्टर को दे आई। देखा कैसी जुआन चलान लगी, मैं तो कुछ कहता ही ना हूँ।
भाई, ये तो दो ही दिन में बदलगी पूरी की पूरी। अरे अभी तो देखियो के बदलेगा। हमें तो पहले ही पता था इनका गठबंधन हो लिया, एक दिन हमें इस घर से भी निकलना पड़ सके कसम लोटे की। अरे ऐसी बात ना, इतनी बावली ना, वह भाण तो हमारी है। हाँ वह भाण है हमारी, उसे तो दूध प्यारी है, हमें कुछ ना दे रही। मैं तो कह रहा हूँ भाई, दमी से गाँव के बाहर तक निकाल दो किसी तरीके से, बाकी मैं देख लूंगा। अरे यो तो जमजू की ढाल यही चिपक गया। मेरी मानी तो ना तुम ही ठाके लाए इसने, मेरी मना करते करते भी। तन्ने मना करी होगी, अरे खाड़े बंद तो तू ही था इस कांड का, तन्ने यू पड़ी लकड़ी दी है। पड़ी लकड़ी ना है, बांस है पूरा। बांस बता रहा? अरे यो तो होली का जलता हुआ लक्कड़ है, यो बहुत दर्द देगा भाई। अरे तुम डरो मत, ये बात छोड़ दो, यू सोचो उसे घर तक कैसा निकाला जा। सही कह रहे गुड्डू। यार मेरे दिमाग में एक प्लान आया। के? सुनो, अरे आज गेट खुला मिलेगा। अरे बल्ब भी बंद रहेगा, पूरा अंधेरा रहेगा पूरे घर में। आज सीढ़ी दीवार से ही लगी रहेगी, जिसे दीवार कूदनी हो कूद जाइयो। ए जोड़ा बार टंग रहा किसी टेम तार लिए, ना हम कुछ देखे ना हम कुछ सुने। अरे सो जाओ। ओ, अच्छा भाई साहब, सो रहे हैं तो सोने लग गए हम तो जी। गाना गा रहे थे बस। मलके उठिए, अपनी खाट पर चलिए। यहाँ पे ना भाई, मैं तो यहीं पड़ गया। चल फिर, मैं भी इस पे ही पड़ जाऊंगा। पड़ जाओ भाई, आप भी सो जाते भाई साहब। नमस्ते। ओए ओए उरा उठ, क्या कर रहा है? के कर रहा है गुरु? मेरी कुछ समझ में ना आ रहा। ए भी गुरु तू क्या कर रहा? अरे भाई साहब नहाएंगे ना, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अरे सोड़े, ये तो केला केला नंबर बना रहा, चलो जल्दी हम भी कुछ लाओगे, जल्दी आ जाओ भाई। तेज बन रहा, मैं भी बता दिया कर बताऊंगा। हम तेल लाए, धर 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 जल्दी साबुन आए। हाँ चलो भाई साहब, बुलाने चल रहे हैं। चलो 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 यार, वो एकदम बुला के लाओगे अभी भाई साहब को? धोओगे धोओगे एकदम सोना बनाओगे, नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा सा बना देंगे, एकदम बुगले का बच्चा हो जैसा। भाई साहब नमस्ते। के बात है भाई साहब? सारा सामान धर दिया नहाने का, चल के नहा लो आप। मैं सुबह 5 बजे उठ के नहा लेता हूँ, तुम्हें पता है, तुम नहायो? अजी नहाते रहे हम तो, पिछले एतवार को भी नहाए थे। अजी मैंने तो 3 दिन पहले ही मुंह धोया। शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई 15 दिन पहले नहाया, कोई 3 दिन पहले नहाया, कोई 10 दिन पहले नहाया है, तुम नहा लो। ये कपड़े देखो अपने कितने गंदे हैं, खेत में भी इन्हें पहर के जाओ, 100 भी इन्हें पहर के हो, कहीं भी जाओ तो इन्हें पहर के, इन्हें बदल लो, इन्हें धो लो, ये सड़ांध निकाल लो इनमें से, जाओ नहा लो। हैं हैं क्या, नहा ले जाके। अरे रोटी बन गई, तुम रोटी खा लो। देखा, हमें तो कदी टिकट को भी ना बुझी, इसे कह रही है खाना खा लो, फैशन में आ रही है फैशन में। अरे तुम ना लो ना, फिर कूट देगा घेर के। अरे देख ले, घी से चुपड़ का खुआ रही है, हमें कदी ना खुआ घी से चुपड़ का। और तुम्हारे नाम की ना चुपड़ी रोटी इस घर में? अरे मुझे तो पहले तो ही शक था इन पे, या इस बर्फी की और मास्टर की मिली भगत है कसम लोटे की। इस घर में मारा गुजारा नहीं है, अपना जुगाड़ कर लो, ये हमें टिकन ना दे आप। सही कह रहे हो गिरडू। यार देख तो लेंगे, पर मेरे को तो रोटी भी नहीं बनानी आती भाई। हाँ यू क्या हो गया? अखबार बहुत पढ़े है तू? हाँ पढ़ने का शौक है मुझे। तो फिर पढ़ी क्यों ना? मैं पढ़ाई तो ना बस काम में लगा दी, ये ढोर और यू लहंडा मेरी छाती पे बांध दिया। अब पढ़ेगी? हाँ पढ़ तो लूंगी, पर ये पढ़न ना दे मुझे। अब तू पढ़ेगी भी और ये पढ़न भी देंगे। हैं? अच्छा हाँ। ओ, देख रहे हो पढ़ान की बात भी चल रही। अरे हमें पक्का पता, यो मास्टर यही डेरा घेर के रहेगा, देख लियो। अरे यू बर्फी को भी मास्टर नहीं बना के छोड़ेगा। देखी चाहिए तो यू को के दिन देखने पड़ेंगे। देखते जाओ, जो कुछ होवेगा आगे कोई होवेगा।
अरे यार एक बात बताओ मलखे, अरे मैं रोज नहाना पड़ेगा क्या, रोज नहाओगा क्या हमें? लक्षण तो कुछ ऐसे ही लग रहे। बे यार मार तो मैल भी तैर देगा, पतले करेगा क्या हमें? ओए सीधा ही बड़ा आ रहा ना, राम राम ना साम साम। ततैयो के घर में पांव कैसे पड़ गए थारे? हम तो हाँ हम तो के बोल भोंगता क्यों नहीं, खेतों वाले रिश्ते पे चक्रोड़ जी बना रहे। फिर चक्रोड़ बनाने में ततैयो का के काम है? अजी हम तो यू कहना आए थे। हाँ इब काम में ततैयो को कहने वाले भी हो गए भैया, हम तो शर्मदान की कहना आए थे। देख लियो परसों को टाइम से लगड़ जा तो। यू काम भूल गया दिखा है ततैयो ने, उल्टे सीधे काम के यहाँ चढ़े आए हैं। अरे यू काम ततैयाओं को बताने चल के आए हमारे घर में, लिकट जाओ जाओ दिन चोखे तो थारे। लिकट जाओ ना तो सारा श्रमदान सा करवा दूंगा अभी। प्रधान जी मैं तुम्हें पहले समझा रहा था, ये आज तक किसी के काम आए हैं जो गांव के काम आ जाएंगे, पर तुमने भी। अरे कोई बात ना, सबके साथ में गांव का विकास है। अरे कुछ तमीज है या ना है, किसी को आओ बैठ नी कुछ नी, राम राम नी श्याम श्याम नी, कौन थे लोग? प्रधान था और दो तीन अंडे थे उसकी गैल। प्रधान बता रहा है प्रधान जी को? अरे वो एक इज्जतदार आदमी है, उसे प्रधान जी कहो। और कौन कौन था? सांसली बताएगा जी, जब यू बता रहे आज। तमीज नाम की चीज नहीं है थारे बिल्कुल भी। सांसल कह रहा है जी बड़ा भाई है तुम्हारा, भाई कहकर। अजी नाम तो गिरचंद बिगाड़े है सबके। तू बहुत बढ़िया बोल रहा है, इसका कुछ नाम तो होगा। हाँ जी इसका नाम जंग बहादुर है जी। जंग बहादुर है, मेरे हिसाब से थारे सबके कुछ ना कुछ सही नाम होंगे, पर तुमने बिगाड़ बिगाड़ के उल्टे सूते नाम बोलने में तुम्हें मजा आवे। सही नाम थारे पे बोले नहीं जाते हैं, सही नाम बोले करो। अच्छा क्यों आए थे लोग? श्रमदान भ्रमदान सा बता रहे थे कुछ। अजी दो फाड़े मिट्टी के उठने में भी इन पर नहीं उठते, हमें बुलावे हम कहीं के मावली है। फिर कद जाना है? हम तो कभी भी ना जावे। अरे ततैया अपने घर में तो मिट्टी गिरते नहीं, ये ततैयाओं पे सड़क पे मिट्टी गिरवाना चाह रहे। शर्म ना आवेगी हमें वहाँ? ज्यादा नवाब तो बनो मत, परसों चले जाइयो वहाँ जब भी वो काम हो। हाँ अरे समाज के कार्यों में जाना चाहिए भैया, हाथ बटाना चाहिए कोई भी काम हो, ठीक है ना? और एक बात और ध्यान रखियो, वहाँ जाओगे तो सबे राम राम कर लियो, कभी न्यू जाके बढ़ो और ये जैसे बिगाड़ के नाम बोल लो वहाँ भी बोल लो। तमीज सीख लो, कुछ रहना सीख लो, जीवन को जीना सीख लो। भाई मैं तो खून पी लिया, कैसा छह ले। सत्थरा सा छल मेरी जिंदगी में आ गया, जो था मन न चाया छोरा ओए मन पा गया, सत्थरा सा छल मेरी जिंदगी में आ गया, जो था मन न चाया छोरा ओए मन पा गया, जोड़ी खास मिलाई म्हारी राम ने, जोड़ी खास मिलाई म्हारी राम ने, मैं सारे के लाल कर दूं। मेरी सोने से सुने छोरी मेरी जिंदगी में आ।
पागी जोती मन चाई छोरी वाई मन ने पागी एक सुथरी सी छोरी मेरी जिंदगी में आगी जोती मन चाई छोरी वाई मन ने पागी ओ मेरी कोई ना कसर छोड़ी राम ने ओ मेरी कोई ना कसर छोड़ी राम ने मैं सारे को ऐलान कर दूं मेरे सोने से सुनखे यार के मैं जिंदगी नाम कर दूं मेरे सोने से सुनखे यार के मैं जिंदगी नाम कर दूं मेरे सोने से सुनखे यार के मैं जिंदगी नाम कर दूं मेरे सोने से सुनखे यार के मैं जिंदगी नाम कर दूं आज तो बड़ी साफ सफाई कर रखी है पर दीख तो रहा नहीं कोई सा कहां गए हम यहाँ हैं जी भाई साहब हम यहाँ आए जी अच्छा आज तो निखर सी रहे हो भाई लत्ते भी पहन रहे हो नए नए हाँ। हम तो नई नए कपड़े ना पहन रहे जी गांव में क्या दिखावा करना अरे इसमें दिखावे की बात है भाई आदमी को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए अच्छे से रहना चाहिए अरे ये बात तो मैं इनसे पहले से कहती आ रही कि नहा धो लिया करो ढंग के लत्ते पहन लिया करो हाँ तू बहुत नहावे धोवे तू अपना हाल तो देख ले तू थोड़ा यू होड़िया ठीक कर ले देख ले कहाँ चढ़ा रही है ऐसे सिलवार को ढंगते रह लेकर चलो बढ़िया बात है अरे यू मास्टर है पहले तो कहते रहे पर हमने तो ना माननी की यार इसने हमारी खूब सही जब हम ना मानने जब यू अपनी फॉर्म में आया पर भाइयों इनने मारा बहुत कसम लौटेगी अरे मास्टरों के मारे का भी के बुरा मानना यार मारा भी तुम्हारी भलाई को ही है कभी बचपन में माँ बाप ने इतने मारे होते तो हम अब बिगड़ते ही ना तेरा बेटा जीता रहे मैडम जय और कैसे हैं आप मैं अच्छा हूँ जी आपका हाथ कैसा है हाँ ठीक है आप बताइए आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप अच्छा थैंक यू सो मच अरे आपने इन्हें कुछ खिलाया पिलाया नहीं आप भी पूछ लो मैडम हाँ बस, बस ये लोग तो तड़की तक कुछ ना कुछ खुआ हुई जा रहे हैं मेरा पेट भी भर गया अच्छा हमारे थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा उसके लिए सो सॉरी लेकिन हमें कानून के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है और रात आपने जो अपनी कहानी सुनाई आपको तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हाँ जी खैर छोड़िए हम आपकी पूरी मदद करेंगे जो कुछ भी होगा अब हमें कानून के हिसाब से ही करना पड़ेगा इसीलिए आप हमारी कस्टडी में रहेंगे अगर आप यहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील करते तो आप मेरे क्वार्टर में रह सकते हाँ मैं तो रह लूंगा जी पर किसी को कोई दिक्कत तो ना आए नहीं नहीं दिक्कत कैसी मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ कोमल कोमल कहाँ गई कोमल मैं यहाँ हूँ तू? तुझे मेरा असली नाम कैसे पता अरे भाई हम भी कुछ पता रखते हैं। तुझे मेरा बर्फी नाम अच्छा ना लगता हाँ बर्फी नाम अच्छा है पर वो उसी भेस की गैल अच्छा है इस रूप में तो कोमल ही अच्छा लगेगा देख मैं तेरे लिए फार्म लाया हूँ और ये फार्म भर के तू पहले पढ़ूंगी हाँ तू पढ़ेगी ठीक है ना
जो मुझे नू पता होता मैं नहा धोके इतना बढ़िया लगूं, तुम तो पहले से ही नहा धो लिया करता। मैं तो इसे मलखे के चक्कर में सब भूला बैठा था बस, ना यू नहाता ना मैं नहा देता। पर चलो अकल आई तो सही है। ये कौन है? देखियो ये मेरी बर्फी है कोई और है? देख डायन के थोड़ी सोनी लग रही। हाय नजर न लग जाए इसे किसी की। ठीक कह रहा झिंगा, नजर लग जाएगी बर्फी, काला टिक्का लगा ले। ए मरजानी किसने कही है इतनी सुंदर बनने की? अरे भैया चलो खाना तैयार है, खाना खा लो। भैया हाँ, अब तुम लोग भी सब आपस में भाई कह के बात करोगे? ये अपने पुराने बेकारे नाम छोड़ दो, एक दूसरे को भाई कहकर उसका नाम लेकर बात करोगे, ठीक है ना? और मैं इसका फार्म लाया हूँ, ये पढ़ेगी। या पढ़ेगी? हाँ पढ़ लेगी या? हाँ भैया पढ़ेगी, क्यों ना पढ़ेगी, जब इसे शौक है पढ़ने का। या पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे भैया घर का काम थारा है कितना, थोड़ा सा तो काम है। फिर मान लिया पढ़ेगी तो पढ़ने का मतलब ये ना घर का काम छोड़ देगी, या करेगी फिर हम सब लोग इसका साथ देंगे, हाथ बटाओगे, ठीक है ना? इसे पढ़न दो, एक दिन यह थारा नाम रोशन करेगी पढ़ के, देखियो। अच्छा है, वैसे तो ये ठीक ही कह रहे थे मलखान भाई साहब। अरे भाई जोरावर सिंह एक बार फिर कहिए। मलखान सिंह? अरे मलखान भाई साहब ये ठीक बात कह रहे थे भाई। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बलवान। जय सिंह भाई बहुत अच्छी बात कही है भाई साहब ने। हाँ। की बात मानो। जंग बहादुर भाई साहब तुम कैसे चुप हो? भाई मैं तो इस मारे चुप हूँ, जब बड़े भाई साहब बोल रहे हैं मलखान सिंह तो छोटो का के बोलना है। तेरा बेड़ा जी तरह कोमल बहन अब दिखाना। हाँ, आओ। आइए आइए आप इधर बैठिए। जी मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, कुछ खाएंगे आप? अजी ना ना, खुआ तो उन्होंने बहुत रखा चौकी में बस। अरे इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मुझे चाय बनानी आती है और आपके साथ मैं भी चाय पी लूंगी। और वैसे भी आप यहाँ किसी फॉर्मेलिटी में मत पड़ना, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप गांव से आए हैं तो आपके पास रहने की व्यवस्था भी नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ इजीली रह सकते हैं। जी वो तो ठीक है, यहाँ और कौन रहवे? यहाँ और कोई नहीं रहता, बस मैं ही रहती हूँ। आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में तो जी माँ है और पिताजी है, मैं अकेला ही हूँ। ओके कोई नहीं, आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। हाँ जी बस जरूरत तो किसी चीज की ना है, मेरे तो ये कागज मिल जा तो बस सब ठीक हो जाए। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके कागज जल्दी ही मिल जाएंगे और सब ठीक भी हो जाएगा, मैं हूँ ना। हाँ, अरे भाई साहब आ जाओ, बुग्गी रेडी है, आ जाओ आ जाओ। मलखान भाई साहब आपको चढ़ाऊं? चलो चलो बैठो भाई। चलो भाई साहब बैठ जाओ जल्दी जल्दी। अरे लो भाई साहब लो लो लो। मैं तो बैठ जाऊंगा, इसे जोरावर सिंह को दो सहारा सा। अरे जंग बहादुर भाई साहब जोरावर को सहारे की जरूरत ना है। अरे भाई साहब मैं भी चल रही हूँ तुम सबकी गैल। कोमल वहाँ तेरा कोई काम नहीं, तू घर ही रोट पढ़ लिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम सबके लिए खेत में खाना लेके आती हूँ। वहाँ खाना लेके भी आने की जरूरत नहीं है, या तो महारे में तो कोई सा खाना लेना यहाँ आवेगा या फिर हम यही आके खाएंगे। तुझे दुकान पे तो कुछ चीज मंगानी हो तो बता, वो हम लेते हैं। ना ना मुझे कुछ ना चाहिए। चलो बल्लो राम, तू दिक्कत मत मानिए, तू पढ़ाई कर जोर लगा के। अरे सुनियो मैक्स सिंह भाई साहब, थे एक सलाह लेनी थी। भाई मैंने सलाह देनी बंद कर दी। अरे भाई सुन तो मैक्स सिंह, अरे भाई नु तो बताई कबीज कौन सा बो मेरे किसके तले में, यह बात बता यार। भाई तुम मुझे जल्दी में लग रहे हो, शाम को घर आ जाऊंगा, घर बैठ कर समझा दूंगा। ठीक है भाई आ जरूर जाइयो शाम को। ठीक है भाई चल ठीक है, आइए घर। अरे अब तो सड़क भी बनने लग रही है, अब तो खुश है ना? अरे प्रधान जी खुशी की बात तो है ही, रास्ता भी ठीक हो जाएगा और श्रमदान भी पूरा गांव कर रहा है प्रधान जी। प्रधान जी राम राम, राम राम भैया राम राम। अरे सारे भाई आ लिए भाई।
और भला प्रधान जी आते ना, गांव का काम हो रहा है, हम ना आते। प्रधान जी गांव समाज का काम हो, हम ना आते तो हमें खुद ही शर्म आने लगी। अरे जिंगा तो सुबह से ही फाड़ उठाओ हैंड रहा, नुकहरा जल्दी चलो, हमें भी काम करना, श्रमदान करना है यहाँ के। अरे मैक्सिंग भाई आप कहाँ चले? जाए कहीं ना रहा, मैं गाय का दूध सा काढ़ लाऊं, गाय मेरे हाथ लग रही है ना। अरे यार मैक्सिंग कहाँ जा, दूध तो फिर भी कट जाएगा, कुछ श्रमदान कर ले। अरे तू काट दंडे से धार, तू दो तसले मट्टी बत्ती गिर देगा, कुछ जोर पड़ जाएगा। भाई पलटू तूनू बता हम कहाँ लगे। जो प्रधान जी बता दे वहीं लग जाओ, जो प्रधान जी बोले। अरे यार यू गांव का मिला जुला काम है, जहाँ कुछ जगह देखो वहीं लग लो। चलो मैं भी लग रहा हूँ गैल में। अरे प्रधान जी आप बैठ जाओ, हमें बताओ काम, हम करेंगे काम। प्रधान जी हमारी एक बात सुनो, ये तो लो वे पीछे जो पहली पिछले श्रमदान की फाट के थे, और कोई जरूरत हो तो वह बताइयो, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटे प्रधान जी। हाँ अरे प्रधान जी सारा काम हम अकेले उठा देंगे। प्रधान जी एक बात और सुन लो, यू तो है मंदिर वाला चंदा, आगे कोई जो भी चंदा होगा हम गैल देंगे, और रही बात रास्ते वाली, इसे बढ़िया डाल बनवा लो, हम जी जानते थरी गैल है। और प्रधान जी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटे, पूरे गांव के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला गया। चलो भाई चलो, चलो भाई, भाई चलो काम प्रधान जी। अरे रोहित भाई ठीक है भैया, करो करो मेहनत, हम भी करेंगे। अबे यार ये तो आदमी हो गए। प्रधान जी ये तो नहाई दोस्त लग रहे हैं, और कपड़े भी अच्छे पहन रखे हैं, और इनकी बातचीत भी अच्छी है। प्रधान जी जितने भी सुधार है उस आदमी ने सुधारे जो इनके घर में रह रहा। कल मैं इनके घर के आगे भी निकल लेता, मलखान ने मुझे बुला लिया, बिना चाय पिए उठन नहीं दिया मैं। चलो यारो जिसने भी सुधारे जैसे भी सुधरे, कम से कम सुधर तो गए, अब गांव में भी शांति हो जाएगी। हम तो ये मानते हैं उस आदमी का एहसान इस गांव पे जिसने ही सुधारे। हाँ ये बिल्कुल सही बात है तेरी। चलो एक काम करो, अपने अपने काम पे लग जाओ। हाँ चलो। भैया आज तो चार पर्ची आई हैं। राम राम बेटा, राम राम, जीते रहो जीते रहो। यो बात मैंने चारों भैयाओं को दो बार समझाई थी, तीसरी बार और समझा रहा हूँ, चौथी बार नहीं समझाने का मैं। भैयो राम राम। राम राम भाई मलखान आगे भाई, और ठीक हो? नहीं। और भाई मैक्सिंग? बस भाई मलखान सिंह, और कैसा आना हुआ? अरे आना के जी कर जाता भाई, मैं मकबा मिल का हूँ, और कौन सा नोता है भाइयों के तक मिलना ही है। अरे तेरा बोलो, मेरा तो नाक भी टूट गया होगा यार, बिजली चालू छूट। वैसे कुछ भी कहो, ये ततैये जब से सुधरे ना पूरे गांव में सुख शांति है। बिल्कुल सुख शांति है। कल मैं बीएससी ऑफिस गई थी, सारी बातें पूछ कर आई हूँ, कल तक का समय है अभी। हाँ जी बस अब ये कागज और ले आओ तुम। हाँ कल मैं आपके डॉक्यूमेंट्स ले आती हूँ फिर चलते हैं। हाँ जी हाँ, बस बहुत जल्दी करो डॉक्यूमेंट लाने की, तो मैं इतना जल्दी निकल जाऊँ। अरे आपको इतनी जल्दी क्यों है यहाँ से जाने की? आपका यहाँ मन नहीं लग रहा, या आपको हमारा घर अच्छा नहीं लग रहा, या हम अच्छे नहीं लग रहे? अजी जी ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मन तो मेरा लग ही रहा है, और घर भी आपका बहुत बढ़िया है, और आप तो उससे भी बढ़िया हो। पर आपको फिर भी जाने की बहुत जल्दी है, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप हमेशा यहीं रह जाएं। रे मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथा में लगवा ले, रे मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथा में लगवा ले, सिर पे अपने मोड़ बांध के आऊंगा जल्दी, रे ब्याह के ल्याऊंगा जल्दी, मैं ब्याह के ल्याऊंगा जल्दी, रे ब्याह के ल्याऊंगा जल्दी, मैं ब्याह के ल्याऊंगा जल्दी। मैं तो बैठी त्यार, ब्याह के ले जा तू जल्दी,
चाची जी नमस्ते। नमस्ते। अरे छोरी तो सुधर गई दिखे, क्या बात भैया, अभी सुधर गई? ये तो तत ही सुधर गई दिखे। भैया दो तो नहाने के साबुन दे दो और एक सर्फ का पैकेट और एक ये वाली नमकीन का पैकेट। हाँ बस। भैया कितने पैसे हुए? 50 रुपए। ये लो। सुनो। हाँ पूछ। नहीं पूछना कुछ नहीं है। वो तू ना बहुत अच्छा है, अब तू हमें छोड़ के कदी मत जाइयो, और तेरे होने से ना एक अपनापन लगे है, और अब तो हमें तेरी आदत सी पड़गी। तू अभी मेरे बारे में जानती नहीं है। तुम चाहे जो भी हो पर तुम तो हमारे लिए फरिश्ता हो, तुमने हमें इंसान बनाया है, तू तो हमारे लिए देवता है। मेरे भाइयों ने तेरे साथ कितनी बदतमीजी की, अत्याचार किया, पर फिर भी तूने हमारा साथ दिया है, हमें इस समाज में उठने बैठने लायक बनाया है, और देख मुझे पढ़ा भी रहा है, तो तेरे जैसा नेक दिल इंसान भला हाँ कैसे? तू अब हमें छोड़ के तो कभी नहीं जाएगा ना? अरे मैं पुलिस का मोस्ट वांटेड हूँ कोमल, तुम्हें पता नहीं है? तो मोस्ट वांटेड कैसे हो सकते हो, तू इतना अच्छा पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत पढ़ना चाहता था और पढ़ा, मैं फर्स्ट आया था उस दिन, और अपनी डिग्री लेकर अपने घर आ रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा कि कुछ लड़के एक लड़की की इज्जत लूट रहे हैं। मैं उस लड़की को बचाने लगा, उसको बचाने में एक लड़के की जान चली गई, जान चली गई। मैं घर आया और जिसकी जान गई थी वो एक बड़े परिवार का लड़का था। जब तक मैं घर पहुंचा तो बड़े परिवार ने हमारे परिवार को तहस नहस कर दिया था, और मजबूरी में मुझे बंदूक उठानी पड़ी, और मैं डिग्री छोड़कर बदमाश बन गया और पुलिस का मोस्ट वांटेड हो गया। एक ना एक दिन तो पुलिस मुझे पकड़ ही लेगी। देख मैं ये सब नहीं जानती, बस तू अब हमें छोड़ के कभी मत जाना। ये ले तेरा बैग। मेरा बैग? ये मेरा बैग नहीं है। अरे ये तेरा ही बैग है, हमने तेरे से छीना था। ये देख तेरे कागज। मेरे कागज? हाँ। ये बैग तो हमें आज ही पहुंचाना पड़ेगा, ये किसी भले आदमी का बैग है और उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत इसमें लगी हुई है, अगर आज ये नहीं पहुंचा और उसके कागज जमा नहीं हुए तो उसकी मेहनत खराब हो जाएगी। अच्छा अरे कहां गए? हाँ मैं यहाँ हूँ। अरे आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं नाश्ता बना रहा हूँ ना, खा के जाइयो। मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, आप ये सब मत करो। अजीब। अच्छा वो क्या नाम था उन लोगों का? ततैये। ततैये? कुछ नाम तो होगा उनका। ततैये ततैये कहते थे उन्हें तो। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। ये नाश्ता तो कर जाओ, ये तैयार है। अरे नहीं नहीं नाश्ता तुम कर लेना, और तुम्हें अगर किसी सामान की जरूरत हो तो नीचे परचून की दुकान से ले लेना, ठीक है? जी ठीक है। अरे रुकना भैया रुकना, रुको एक मिनट रुको भैया, आप एक बार मेरे साथ चल दोगे क्या? मुझे किसी के कागज पहुंचाने बहुत जरूरी है। चलो भाई चलो बैठो। हाँ हाँ मैं बैठ रहा हूँ, आप जल्दी चलो प्लीज, बस थोड़ा सा जल्दी चलो। अरे भैया मेरा बच्चा जल रहा है, कोई बचाओ, मेरी मदद करो, कोई बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो मेरा बच्चा जल गया। अरे बचाओ भाई बचाओ। अरे की बात होगी, मेरा बच्चा अंदर फंस रहा है उसे बचा लो। अरे तो भैया बच्चा बचाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? मदद करो, बच्चा अंदर जल रहा है उसे बचा लो। अरे यार तुम भी अजीब आदमी हो, हटो। अरे मेरा बच्चा।
क्या हो गया? प्रधान जी इनके घर में आग लगी और इनका बच्चा भी फंस गया। अरे तो भैया आग बुझवाओ, इनके बच्चे को बचाओ ना। संजय तू एक काम कर, जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल लेके जा, फायर ब्रिगेड बुला के ला। ठीक है प्रधान जी, अभी लाया। क्या हो गया? आग लगी भैया और इनका बच्चा फंस गया। बचाओ ना, बच्चों को बचाओ। अरे भैया कुछ आग बुझाने के लिए बाल्टी तसले लेके आओ, कुछ रेत डाले, पानी डाले। चलो भाई के प्रधान जी पानी लाते। अरे भाई क्या हो रहा है ये सब? मैडम आग लग गई है घर में। ये लो बहन जी, आपका बच्चा सही सलामत है, देखो। माही है? अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। मैं भाग नहीं रहा जी, मैं किसी की अमानत देने जा रहा हूँ। तुम्हारा नाटक अब नहीं चलेगा, अब तुम कविता सिंह की गिरफ्त में हो। मैडम ये आप क्या कर रही हैं? क्यों गिरफ्तार कर रही हैं इसे? ये एक बहुत बड़ा बदमाश है। बदमाश होगा जी तुम्हारे लिए, हमारे गांव के लिए तो देवता आयु। ये कानून का मुजरिम है। मैडम ये मुजरिम नहीं हो सकता ये आदमी। मैडम भला जो आदमी का जान बालक की निया अपनी जान जोखिम में गिर दे, वो भला मुजरिम कैसे हो सके? मैडम यहाँ खड़े सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, लेकिन ये लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर इस बच्चे को बचा कर लाया। मैडम जी आप कानून की नज़र से देख रही हैं, आप इंसान की उससे देखें, ये इंसान बहुत अच्छा है। मैडम जी हम इसे अच्छे से जानते हैं, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इसे आपके साथ नहीं जाने देंगे। शांत हो जाइए, आप लोग कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। मैडम कानून तो हम जानते नहीं, पर इस आदमी ने हम जानवर थे इंसान बना दिया, ये इसी की बदौलत है, नहीं तो हमारा व्यवहार भी जानवर जैसा था और कोई भी हमें बुलावे नहीं था, बैठावे नहीं था, आज इसी की बदौलत हम इंसानों की तरह खड़े। दरोगन जी ये सारा गाँव गवाह है, हम बिल्कुल किसी से मिलते नहीं थे, बैठते नहीं थे, हमारी सबसे राड़ थी, लेकिन जब से ये आया है इसने हमारा सबके साथ प्यार बढ़वा दिया, भाईचारा बढ़वा दिया, दूसरों के साथ जीना सिखा दिया मिलकर। बिल्कुल ठीक बात है मैडम, ये कोई राजी नहीं था हमें गांव में बैठा के, ना कोई मार धोरे बैठा था, ना कोई हमें अपने धोरे बैठावे था, और अब हम हाक मार के बैठावे आदमी, वो सब इसकी देन है। मैडम जी हम पढ़ाई को तो जानते ही नहीं थे, इस इंसान ने पढ़ाई का महत्व बताया और हमारी बहन को पढ़ाया। मैडम ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके गांव में आने से गांव के अंदर बिल्कुल शांति हो गई है और अब ये सारे गांव का, सारा गांव इसका है, हम इसे बिल्कुल गिरफ्तार नहीं होने देंगे। देखो प्रधान जी आप मेरी बात को समझो, मैंने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है, इसने जो भी अपराध किए हैं मजबूरी में किए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसे कम से कम सजा हो और ये बहुत जल्द आप सबके बीच हो, अभी इसे मेरे साथ जाना होगा। देख लो मैडम जी को धोखा ना कर लियो। कोई धोखा नहीं होगा, आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए। चलो माही। देखो जहाँ इतने दिन हुए हैं वहाँ मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दो, इस बैग में किसी पूरन की पूरी जिंदगी की मेहनत, जिसका अपॉइंटमेंट लेटर है और कागज है और उसकी आज ही लास्ट डेट है, मैं इसको उस तक पहुँचा दूँ। अच्छा तो ये है पूरन का बैग? हाँ जी हाँ ये पूरन का बैग है। इस बैग की तलाश मुझे काफी दिन से, इस बात से साबित होता है कि तुम एक अच्छे और पढ़े लिखे इंसान हो और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कानून तुम्हें कम से कम सजा दे, अभी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये बैग मुझे दो। नहीं मैडम, मैं इसकी पूरी मदद करूंगी, ले आओ इसे। मत ले जाओ भाई साहब। रुक जा मेरे यार। भाई साहब तमाम गवाहों एवं सबूतों के मद्देनजर अदालत यह मानती है कि मुलजिम महिपाल उर्फ माही ने जो भी किया वह हालातों से मजबूर होकर किया। मुलजिम एक पढ़ा लिखा नौजवान है जिसने कानून का साथ दिया, बेहद बुरे हालात होते हुए भी एक अच्छे आचरण की मिसाल पेश की। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह अदालत मुलजिम महिपाल उर्फ माही को 3 साल की साधारण कैद की सजा सुनाती है। माचिस है? है।
लिए। तुम लोग? हाँ, हमें तो 3 साल तक इस दिन का इंतजार था बेसब्री से। हमने इन 3 सालों में एक एक दिन गिना है। जो आप हमें सिखा कर आए हो ना, वो हमने बहुत अच्छी तरह निभाया और हमारा गांव सुधर गया। और भाई साहब एक बात बताऊं, कोमल ने बीए भी कर ली और बीएड का फॉर्म भी भर दिया है। और हमसे ज्यादा इंतजार तो आपका कोमल को था। और हाँ, अब हम वो पहले वाले इंसान नहीं रहे, वो जानवरों वाली जिंदगी हमने छोड़ दी है। और ये सब क्रेडिट, ये सब श्रेय आपको जाता है जी। आपने इंसान बना दिया हमें। आप आके देखोगे तो आपको बहुत खुशी होगी। आँखियाँ में बड़ी शरारत, बाला की लट चेहरे पे, चमकारे मार नूर हाय उसके रूप सुनेरे पे, उसके रूप सुनेरे पे। आँखियाँ में बड़ी शरारत, बाला की लट चेहरे पे, चमकारे मार नूर हाय उसके रूप सुनेरे पे। जड़ राखी राम ने साला को ए ओड़ को न्यारे, कड़ राखी राम ने साला को ए ओड़ को न्यारे, ओड़ को न्यारे। ओ मारे आली बन्नो रानी का कोई तोड़ को न्यारे, ओ मारे आली बन्नो रानी का कोई तोड़ को न्यारे। फेस हो जा सूट की कढ़ाई देख, दिल मेरा या पखो जा, सूट की कढ़ाई देख, दिल मेरा या पखो जा, सूट की कढ़ाई देख, दिल मेरा या पखो जा। सब ऊरा ने दे मात, फेर भी मरोड को न्यारे, सब ऊरा ने दे मात, फेर भी मरोड को न्यारे, मरोड को न्यारे। आली बन्नो रानी का कोई तोड़ को न्यारे, ओ मारे चाल रे, नैन से कटी लेकर के छोड़ दे बेहाल रे, हाँ नैन से कटी लेकर के छोड़ दे बेहाल रे, नैन से कटी लेकर के छोड़ दे बेहाल रे। जम्मा आरे से नजारे बात में जोड़ को न्यारे, जम्मा आरे से नजारे बात में जोड़ को न्यारे, हो कह थारे में बसी सह बलम मेरी जान हो, थारे में बसी सह बलम मेरी जान हो, थारे में बसी सह बलम मेरी। ओ किरसन दाए माँ के सिवा किसे की लोड़ को न्यारे, किरसन दाए माँ के सिवा किसे की लोड़ को न्यारे, लोड़ को न्यारे। आली बन्नो रानी का कोई तोड़ को न्यारे, ओ मारे we'll be right back।
सा फेस हो जा सूट की कढ़ाई देख दिल मेरा आपा खोजा सूट की कढ़ाई देख दिल मेरा आपा खोजा।